mad, but mad only becoming famous. Oh, thai thai na goli mare, thai thai na enter mare slow motion me haddi. This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की सुपर स्टार अक्षय कुमार की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है पैडमैन। तो दोस्तों, अगर आप भी अक्षय कुमार की फ़ैन हो और अगर आप पैडमैन मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। पैडमैन एक भारतीय हिंदी भाषा की 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आर बाल्की ने लिखा और निर्देशित किया। इसमें अक्षय कुमार, राधिका आप्टे और सोनम कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म तमिलनाडु के कोयबंटूर के एक ही सामाजिक की कार्यकर्ता और उगमी की अरुणचलम की मुरुगनाथम के जीवन पर आधारित है जिनकी यात्रा को ट्विंकल खाना की अपनी कल्पनी की कहानी द लेजेंड की ऑफ लक्ष्मी प्रसाद में वर्णित किया था। पैडमैन शुरुआत में गणतंत्र की दिवस के दौरान 25 जनवरी 2018 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाना था। फिल्म को अंत 19 फरवरी 2018 को भारत और रूस में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इस प्रकार रूस बॉक्स ऑफिस पर इसकी मूल तिथि पर प्रीमियर करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। रिलीज होने पर यह की एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक की सफलता थी और विशेष रूप से भारत और चीन में दुनिया भर में 273 करोड़ मिलियन की कमाई के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। इसने अनेक सामाजिक की मूछों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। कहानी लक्ष्मीकांत की लक्ष्मी चौहान, अक्षय कुमार और गायत्री राधिका आप्टे की शादी से शुरू होती है। लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करती है और उसकी आराम और खुशी के लिए कुछ भी करेगी। जब गायत्री को मासिक की धर्म के दौरान संस्थाई के रूप से घर से निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी की कमी के कारण अनजान पकड़ा जाता है। गायत्री को महावारी के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते देख वह चिंतित हो गया कि गायत्री उससे कहती है कि उसे स्त्री विषय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। निडर होकर लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदती है जो काफ़ी महंगे होते हैं। गायत्री उसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि इतने महंगे नैपकिन का उपयोग करने का मतलब दूध के खर्च में कटौती करने के लिए कैस्ट ऑफ लाइन है। लक्ष्मी काम पर जाती है और जहाँ एक ही मजदूर घायल हो जाता है वह चोट पर तुरंत एक पैड लगता है जबकि अन्य लोग इसे अशुद्ध कहते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी की त्वरित की सोच की सराहना करते हैं और कहते हैं कि रक्तस्राव को रोकने के लिए कि यह सबसे साफ विकल्प है। उत्साहित की लक्ष्मी कुछ कपास, कपड़ा और गोंद की खरीदती है और एक की अस्थाई पैड बनाती है जो उसे लगता है कि महंगे के लिए एक बेहतर परिस्थान है। गायत्री इसका उपयोग करती है लेकिन पैड अपने किराए में विफल रहता है और लक्ष्मी से कहती है कि वह महिलाओं को मामले में फिर से हस्तक्षेप ना करे। लक्ष्मी फिर से एक पैड बनाने की कोशिश करती है और इसे महिला की मेडिकल छात्रा को देती है जो उसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन उसके दोस्तों ने उसे रोक दिया। अपने स्वर्ण को जोड़ने के लिए छात्रा के साथ उनकी मुलाकात से उसकी पत्नी को लगता है कि उसका अफेयर चल रहा है। लक्ष्मी अपनी बहन को पैड देने की कोशिश करती है जिसके उसे ससुराल वाले को सामने समृद्धि उठानी पड़ती है। इसके बाद वह बकरी को खून से भरा हुआ गुब्बारा लगाकर खुद पर कोशिश करता है जिसे वह सार्वजनिक के रूप से अपनी पतलून पर खून बहने लगता है जिसे परिणामस्वरूप से उसे अपमानित होना पड़ता है। यह अध्ययन उसे पूरे गांव द्वारा की ढीले नैतिकता वाले व्यक्ति के रूप में ब्रांडेड करने का कारण बनता है।
गायत्री भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मानसी के धर्मा के आसपास की वर्जनाओं से लड़ने का वचन देते हुए जाने का फैसला करती है। यह जानने के बाद कि सैनिटरी पैड कपास के बजाय अधिक शोषक की सेल्यूलोज की फाइबर का उपयोग करते हैं, लक्ष्मी सैनिटरी की नैपकिन में प्रयुक्त सामग्री के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक कॉलेज जाती है। पैसे और आत्रेय की जरूरत में वह एक प्रोफेसर के घर में नौकरी के रूप में काम करता है। प्रोफेसर का बेटा उसे इंटरनेट से परिचित करता है और जानकारी हासिल करने में उसकी मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी की हरकतों से चकित है और उन्हें उनके विचारों को पटरी से उतारने के लिए लाखों की पैड बनाने वाली मशीनों को वीडियो दिखाते हैं। इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। लक्ष्मी उसे प्रीत होकर अपनी पैड बनाने की मशीन बनाती है। वह पैसे उधार लेता है और एक अच्छा पैड बनाने का प्रबंधन करता है, लेकिन उसे परखने वाला कोई नहीं है। वह परिवारीय एक विशेष उपस्थिति में सोनम कपूर से मिलता है, जो शहर की एक आधुनिक की सृजित महिला है, और उसे एक पैड की आपूर्ति करता है। जब वह फीडबैक की मांगता है तो वह करती है कि यह एक सामान्य पैड की तरह है। लक्ष्मी एक खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वह गायत्री को खबर देने के लिए बुलाता है। मासिक की धर्म के प्रीत उसके जुनूनी से गायत्री परेशान हो जाती है और उसका भाई उसे दूर रहने की चेतावनी देता है। परी लक्ष्मी की क्षमता को देखते ही और उसे दिल्ली में एक नवचार मेले में आमंत्रित करती है। लक्ष्मी को आविष्कार को लाइफ चेंजिंग की इनोवेशन की ऑफ द ईयर के रूप में पहचाना जाता है और वह प्रेसिडेंट के लिए गोली मारता है, लेकिन ग्रामीणों ने उसके आविष्कार की प्रकृति को महसूस करने पर उसका अपमान किया। परी की एक निराश लक्ष्मी को अपने पैड ग्रामीण की महिलाओं को बेचने में मदद करती है, जो बाद में उसके उगम में शामिल है। वो लक्ष्मी और एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करती है, कम लगता वाली पैड बनाने वाली मशीनों बनाती है, छोटे पैड बनाने का फैक्ट्रिया बनाती है और गमरीन की महिलाओं को बिक्री के लिए नौकरी और पैड दोनों ही उपलब्ध करती है। उन्हें न्यूयॉर्क में आमंत्रित किया जाता है और संयुक्त की राष्ट्र में भाषण की देते हैं। घर वापस उन्हें पचरत्री से सम्मानित किया गया है कि परी को उससे प्यार हो जाता है, जिससे लक्ष्मी हुई विवाद हो जाता है क्योंकि उसके मन भी उसके लिए भावनाएं होती है। हालांकि वह उसकी खुशी के लिए पीछे हट जाती है। लक्ष्मी ने उसे बताया कि उसने उसे एक नया आदमी बनाने में मदद की। लक्ष्मी अपने गांव में एक नायक के स्वागत के लिए लौटती है। फिल्म की लक्ष्मी और गायत्री के पुनर्मिलन के साथ समाप्त होती है और लक्ष्मी ने अपने प्रयासों को साथ निरंतर सफलता पाई। मैं एक क्यूट चित्र नहीं बनाना चाहता था, मैं एक व्यवसायिक की फिल्म बनाना चाहता था ताकि लोग इसे देख सके। यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। भले ही यह सैनिटरी पैड के बारे में बात करती है, जो एक सार्वभौमिक की विषय है, किसी ने कभी इस विषय को छूने की कोशिश नहीं की। यह फिल्म की तमिलनाडु के एक की समाजी की कार्यकर्ता की अरुणचलम की मुरुगनाथ के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने कम लागत की वाली सैनिटरी नैपकिन की मशीन बनाकर गमरीन भारत में मानसिंह की धर्म सवच की अवसाधारण में क्रांति ला दी थी। पैडमैन को व्यवसाय की पहलाओं पर ध्यान केंद्रित किए बिना जागरूकता की फिल्म के रूप में देखा गया था। निर्माताओं को मुख्य एजेंट की जागरूकता की पैड करने और सैनिटरी पैड के आसपास के भारत में प्रचलित की आवश्यकता को मिटाने के लिए व्यापक दर्शकों तक पहुंचना था। कुमार की पिछली फिल्म की टॉयलेट में एक प्रेम कथा की तरह उन्होंने महिलाओं और की पुरुषों को दोनों को मानसिंह की सधर्म की स्वच्छता के बारे में सिंचित करती है करने और इसे समाज के कल्याण कैया वर्जित के रूप में लेबल करने से रोकने की उम्मीद है। इसके अलावा यह राजनेताओं से सैनिटरी पैड की
और अपना ध्यान आकर्षित करने और स्थानों में से इसकी अनिवार्य बनाने की अपील थी। मुरुगन के जीवन के लिए अनुकूलित करने का विचार 2015 में शुरू हुआ, जब ट्विंकल खाना को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कलाम के लिए एक शोध करते हुए उनकी कहानी का पता चला कि उनकी टूटता और डून संकल्प से प्रीत और प्रीत होकर उन्होंने अपनी पुस्तक द लेजेंड में ऑफ लक्ष्मी प्रसाद 2016 में उनके बारे में लिखा। साथ ही उनके जीवन के एक स्क्रीन की संस्करण की योजना बनाई गई ताकि आदि की दोस्तों तक पहुंचने के लिए हमारी दुनिया से दर्द से भरी हुई है, पाठकों से नहीं। खाना जो फिल्म पर स्वनिर्माता के रूप में भी काम करते हैं, नेहा कहा कि मासिक धर्म और मुरुगनाथ के ढूंढा संकल्प के बारे में प्रसंगित कभी तक की कम आंका गया विषय के कारण वह इस परियोजना के लिए की अक्षित हुई थी। उसने कहा कि निर्माता इस विषय के साथ रचनात्मक की स्वतंत्रता ले रहे होंगे जैसा कि उसने अपनी पुस्तक में किया था, ताकि इसे मनोरंजन की बनाया जा सके। फिल्म लेखन की और निर्देशित करने में लिए आर बालकी खन्ना की पहली पसंद थे। उन्होंने पहले बालकी के काम को देखा था और फिल्म की निर्माण में उनकी संवेदनशीलता की सराहना की थी। नवंबर 2017 में सोनी पिक्चर्स फिल्म के लिए की वैकी की वितरण बन गई। अक्षय कुमार ने अरुण चलम की मुरुगनाथ पर आधारित लक्ष्मीकांत की चौहान की भूमिका निभाई है, जिसे इंडिया की मस्टू ऑल मैन के रूप में भी जाना जाता है। भूमिका निभाने के लिए कुमार पहले ही पसंद नहीं थे, बल्कि और खाना चाहते थे कि कुमार की मुख्य भूमिका निभाए, और क्योंकि उन्हें लगा कि यह खेल बदलने वाली घटना होगी यदि कुमार, जिसे भारतीय जनता मूर्ति पूजा करती है और उस पुरुष की सैनिटरी की पैड पहनती है। प्री प्रोडक्शन मार्च 2017 में शुरू हुआ और प्रमुख फोटोग्राफी 14 मार्च को शुरू हुई। फिल्माकान अप्रैल की दिल्ली चला गया। मुरुगनाथ की भारत में सेट पर आर बालकी कुमार और खाना के साथ की मिलकर काम किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जिस तरह से उन्होंने अपनी मशीन का निर्माण किया उसे कैसे संचालित किया जाए, यहाँ तक कि उनके अपने आसान से भी हर विवरण की स्टीक था। फिल्म की आंधिकास की भाग्य मगयम से प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर के छोटे से शहर में शूट किया गया था। भारत में फिल्माकान में समाप्त होने के बाद टीम ने न्यूयॉर्क के शहर की यात्रा की, जहां महत्वपूर्ण दृश्यों को ब्रुकलिन की ब्रिज पर टाइम्स स्क्वायर में और लिंकन की थिएटर के जैज में और साथ ही संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में फिल्माया गया। हाफ की गर्लफ्रेंड के बाद साइट पर शूट होने वाली यह दूसरी बॉलीवुड फिल्म है। बॉलीवुड फिल्म द इंटरप्रेटर वहाँ शूटिंग की जाने वाली पहली फिल्म थी। फिल्म को शुरू में 23 नवंबर 2017 को रिलीज की योजना की थी, लेकिन बाद में 26 जनवरी को स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि 19 जनवरी को यह घोषणा की गई कि संजय लीला भंसाली की पंजावट के साथ टकराव से बचने के लिए फिल्म को 9 फरवरी 2018 तक ले की स्थगित कर दिया गया था। उसी दिन रिलीज होने वाली आयारी के साथ संभावित बॉक्स ऑफिस पर टकराव के बारे में कुमार ने तनाव की निंदा करते हुए कहा कि यह संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों फिल्मों में अलग अलग विषय हैं। पैडमैन दुनिया भर में 3350 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है। भारत में 2750 स्क्रीन और विदेशों में 60 स्क्रीन की सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्म के होने के नाते निर्माता विभिन्न मंत्रालयों और सरकार की सहायता से छोटे शहरों और शहरों को विभिन्न स्कूलों में फिल्म के दिखाने की योजना बना रहे हैं। चीन में यह कि 14 दिसंबर 2018 को चीनी सेंसर के यदु हेवे की रेन के साथ जारी किया गया, जिसका अनुवाद भारतीय साथी के रूप में होता है। यह फिल्म जापान में सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट की जापान द्वारा 7 दिसंबर 2018 को सेंसर के साथ जारी की गई थी।
पशु पैमैन की पांच अंकों की रीनो जोशी ओस को सकूटा की ओटोको को जिसका अनुवाद पैडमैन की एक आदमी जिसने 50 मिलियन महिलाओं को बचाया के रूप में काम किया है। पहला ट्रेलर 15 दिसंबर 2017 को जारी किया गया था। इसके तुरंत बाद ट्रेलर ट्विटर पर हैशटैग के साथ ट्रेंड करने में लगा। कुमार को लापरवाही से सैटिनरी के नैपकिन के पहनने और उन्हें अपनी बहन को सौंपते हुए दिखाने वाले दूसरे एक ट्रेनिंग टॉपिक बन गए। 25 दिसंबर को एक दूसरे पोस्टर जारी किया गया था जिसमें कुमार अपने हाथ में कपास पकड़ते हुए दिखाया गया, जिसमें चारों ओर फाइटर जीनियस की इनोवेशन की अनरियल की मैन नो सेम की रियल प्रॉब्लम एंड की पैशन की लिखा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे अनदिति पोस्टर कहा। पैडमैन को कुवैत में प्रदर्शित नहीं किया गया था और पाकिस्तान प्रतिबंधी की विषय के कारण इसे प्रतिबंधी कर दिया गया था। क्रेडी के फिल्म सेंसर बोर्ड की पाकिस्तान ने फिल्म को अनापराधी की अपरामंत्रण देने से इनकार कर दिया और कहा, हम ऐसी फिल्म की अनुमानित नहीं दे सकते जिसका नाम विषय और कहानी हमारे समाज में अभी तक की स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म की वितरकों और को फिल्म के अधिकार खरीदने की अनुमति नहीं दी और कहा कि वे इस्लामी परंपराओं इतिहास और संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। स्थानीय सिनेमाघरों से फिल्म की पोस्टर भी हटा दिए गए। कुछ पाकिस्तानी महिलाओं ने सेंसर बोर्ड को सैनिटरी पैड पकड़ते हुए अपनी तस्वीरों को भेजकर इन फैसला का विरोध किया है। 2011 के कनाडाई की संघीय की चुनाव के दौरान या बाद में कंजर्वेटिव की सरकार ने एक की अल्पायन की कानून लागू के कुमार करके कुमार को कनाडा की नागरिकता की प्रदान की, जो कनाडा के अप्रवासियों के लिए सामान्य निवास की आवश्यकता को दरकिनार करने की अनुमति देता है। कंजर्वेटिव की पार्टी के एक पूर्व मंत्री टोना की कैलेमेंट के अनुसार कुमार को कनाडा भारतीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करने के लिए स्टार पावर और कनाडा के व्यापार संबंधों को व्यावसायिक संबंधों फिल्म क्षेत्र में डालने की पेशकश के बदलने में नागरिकता की प्रदान की गई थी। पर्यटन क्षेत्र में प्रारंभिक की जीवन और पृष्ठभूमि की कुमार का जन्म अमृतसर पंजाब भारत में हरि ओम की भटिया और अरुण भटिया के यहाँ पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता के सेना अधिकारी थे। कुमार की छोटी उम्र से खेलों में बहुत दिलचस्पी थी। उनके पिता भी कुश्ती का आनंद लेते थे। वह दिल्ली की चांदनी चौक में रहते थे और पले बड़े और बाद में वे बॉम्बे वर्तमान की मुंबई चले गए, जब उनके पिता ने यूनिसेफ के साथ अकाउंटेंट बनाने के लिए सेना छोड़ दी। जल्द ही उनकी बहन का जन्म हुआ और परिवार सेटल की बॉम्बे के एक पंजाबी की बहुल इलाके कोलीवाड़ी में रहने लगा। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा की डैन बॉस्को हाई स्कूल के मटुंगा से प्रीत की, साथ ही कटक कराटे सीखते हुए कि उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए गुरु नानक की खालसा कॉलेज में दाखिल लिया, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होने के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उसने अपने पिता से अनुरोध किया कि वह आगे मार्शल आर्ट की सीखना चाहता है और उसके पिता ने किसी तरह से थाईलैंड भेजने के लिए पैसा बचा। कुमार मार्शल आर्ट की सीखने के लिए बैंकॉक गए और थाई की बंकिशंग सीखते हुए कि 5 साल तक थाईलैंड में रहे। कुमार की एक बहन भी है, अलका भटिया। जब कुमार किशोर थे तो वह उनके पिता ने उनसे पूछा कि वह क्या बनना चाहते हैं। कुमार ने अभिनेता बनने की इच्छा व्यक्त की। भारत में रहते हुए टाइक्वांडो में एक ही बैले की बेल्ट प्राप्त करने के बाद उन्होंने बैंकॉक की थाईलैंड में सर मार्शल की आर्ट का अध्ययन किया, जहाँ उन्होंने माई थाई की सीख और एक सेफ और वेटर के रूप में काम किया। थाईलैंड के बाद कुमार कलकत्ता वर्तमान की कोलकाता में एक ट्रेलर एजेंसी, ढाका में एक होटल में सेफ और दिल्ली में काम करने गए, जहां उन्होंने कुंदन की आभूषण बेचे। बंबई लौटने पर उन्होंने मार्शल आर्ट का सेंसुप शुरू किया।
इस समय के दौरान उनके एक छात्रा के पिता, जो खुद एक मॉडल समन्वयक थे, ने कुमार को मॉडलिंग में शामिल करने की सिफारिश की, जिसके कारण अंत एक फर्नीचर शोरूम के लिए मॉडलिंग की असाइनमेंट के नेतृत्व किया। कुमार ने अपने पूरी महीने की वेतन की तुलना में शूटिंग के पहले ही दो दिनों के भीतर प्रभावी के रूप से अधिक पैसा कमाया और इसलिए मॉडलिंग की करियर का रास्ता चुना। उन्होंने अपने पहले ही पोर्टफोलियो को शूट करने के लिए बिना भुगतान की फोटोग्राफी जय सेठ को सहायक के रूप में 18 महीने तक काम किया। उन्होंने विभिन्न फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम किया। एक सुबह वह बेंगलोर में एक विज्ञापन के शूट के लिए अपनी उड़ान की सूचक गए। खुद से निराश होकर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के साथ एक ही फिल्म स्टूडियो को दौरा किया। उस शाम कुमार को फिल्म की दीदार के लिए निर्माता प्रोम की चक्रवर्ती द्वारा मुख्य भूमिका के लिए साइन किया गया था। कुमार ने राखी और संत्रिप्रिया के साथ सोमवत 1991 में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। उसी वर्ष उन्होंने किशोर वैयास के निर्देशन की डांसर में अभिनय किया, जिसे खराब समीक्षा मिली। अगले वर्ष उन्होंने अब्बास मस्तान की द्वारा निर्देशित संप्रेस की थ्रिलर खिलाड़ी में अभिनय किया, जिसे व्यापारी के रूप से उनकी सफलता की भूमिका माना गया था। द इंडियन एक्सप्रेस में एक ही समीक्षा ने फिल्म को एक ही मनोरंजन की थ्रिलर कहा और कुमार को मुख्य भूमिका में प्रभावशाली की बताया कि उनकी शारीरिक की उपस्थिति, मजबूत स्क्रीन की उपस्थिति को देखते हुए और पूरी तरह से आराम से होने के लिए की उनकी सराहना की। उनकी अगली रिलीज जेम्स बॉन्ड पर आधारित राज की सीपी द्वारा निर्देशित जासूसी फिल्म की मिस्टर ब्रांड थी। 1992 में उनकी आखिरी रिलीज दीदार थी। यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। 1993 में उन्होंने डॉ विष्णुवर्धन और अत्रिनी भावे के साथ केशु रामेश की द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म की अशांत में अभिनय किया। 1993 के दौरान रिलीज हुई उनकी सभी फिल्मों को, जिनमें दिल के बाजी, फायदा कानूनी, वक्त की हमारा है और सैनिक शामिल है, ने व्यवसायिक के रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 1994 में वह 11 फीचर फिल्मों की दिखाई दिए। उन्होंने दो फिल्मों में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई, समीर मलकान की मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और राजीव राय के मोहर दोनों साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से है। उस वर्ष 12 में और सफलता मिली जब उन्होंने यश चोपड़ा की द्वारा निर्मित रोमांस ये दिल्ली में काजोल के साथ अभिनय किया। वर्ष की सबसे बड़ी मुख्यधारा की सफलताओं में से एक फिल्म और उनकी प्रदर्शन दोनों को समीक्षकों की द्वारा अच्छी तरह से प्रभावित किया गया। द इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें हमेशा की प्रोसेमंद की बताया और उनकी प्रदर्शन को अलग किया। फिल्म में उनकी काम ने उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड्स और स्टार स्क्रीन की अवार्ड्स में 37 अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया। उसी वर्ष के दौरान कुमार को सुहाग और काम के बजट के एक्शन फिल्म की ऐलान जैसा फिल्मों में भी सफलता मिली। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार इन सभी उपलब्धियों ने कुमार को वर्ष के सबसे सफल अभिनेता में से एक के रूप में स्थापित किया। कुमार को सफलता मिली जिसे बाद में खिलाड़ी श्रृंखला के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने खिलाड़ी के साथ चौथी और पांचवी एक्शन थ्रिलर फिल्मों में अभिनय किया। सबसे बड़ा खिलाड़ी 1995 और खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1996 की दोनों का निर्देशन उमेश मेहरा ने किया और व्यवसायी की सफलता के लिए रिलीज हुई। उन्होंने प्रू में दोहरी भूमिका निभाई। खिलाड़ियों को खिलाड़ी ने रेखा और रवीना टंडन को सह अभिनय किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान कुमार घायल हो गए और संयुक्त राज्य अमेरिका में इलाज के लिए चले गए। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ गुप्ता ने एक साल के अंत की समीक्षा में लिखा, खिलाड़ियों को खिलाड़ियों में अक्षय कुमार के साथ अक्षय कुमार के थे, जिन्होंने गलियारियों को पैक किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि टकने की लंबाई के बड़े कोट पहनने भयानक अंडरटेकर के साथ कुश्ती की और फिल्म के साथ चले गए।
कुमार ने यश चोपड़ा की निर्देशित की रोमांस दिल तो पागल है 1997 में सहायक भूमिका निभाई, जिसमें शाहरुख खान की माधुरी तिरिज और करिश्मा कपूर ने अभिनय किया, जिसके लिए कि उन्हें ही फिल्म फेयर की सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। उसी वर्ष उन्होंने डेविड धवन की द्वारा निर्देशित कॉमेडी मिस्टर एन की मिसेज की खिलाड़ी में चूही चाला के साथ अभिनय किया, जो खिलाड़ी की त्रुंगला की पांचवी किस्त थी। त्रुंगला की उनकी पिछली फिल्मों को विपरीत यह व्यवसायी के रूप से विफल रही। हालांकि की रोमांटिक एक्शन फिल्म की अफलातापुर में एक और दोहरी भूमिका के साथ काफ़ी सफलता मिली। समीक्षक की खालिद की मोहम्मद ने फिल्म की आलोचना करते हुए कुमार की प्रयास को मजदूरी दी। अक्षय कुमार जीवन में आते हैं कुछ अलग करने के लिए, वह इसकी अवसर पर आगे बढ़ते हैं। उनकी निम्नलिखित की रिलीज व्यवसायी के रूप से विफल रही और इसके कारण एक उनके फिल्म की करियर को झटका। 1999 में कुमार ने इंटरनेशनल के खिलाड़ी में ट्विंकल खाना के साथ खेला, फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली साबित हुई। उन्हें संघर्ष और जावर फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए आलोचना की प्रशंसा मिली, जबकि प्रून ने बॉक्स ऑफिस पर लाभ नहीं कमाया। बाद वाले एक की व्यवसायी की सफलता साबित हुआ और उसने वापसी की। 2020 में कुमार ने प्रियदर्शन की द्वारा निर्देशित कॉमेडी हेरा फेरी में परेश रावल और सुनील शेट्टी के साथ अभिनय किया। यह फिल्म जो मलयालम फिल्म की रामजीव राव की संपिंगिंग की रीमेक थी, एक की व्यवसायी की सफलता बन गई और कुमार की करियर में एक की महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म की मानवीय विशिष्टि की अत्यर्थता के गहन चित्रण नोट किया। उन्होंने उसी वर्ष बाद में धर्मेश द्वारा की निर्देशित की रोमांटिक ड्रामा धड़कन में भी अभिनय किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मामूली प्रदर्शन किया, लेकिन कुमार को उनकी अभिनय के लिए सराहा गया कि संक्षेपा में कहा गया कि उनको साबित कर दिया है कि वह निर्देशन में अभिनेता है और उन्होंने अपनी भूमिका पर कड़ी मेहनत की है। उसी वर्ष उन्होंने नीरज वोहरा द्वारा की निर्देशित अपनी कुछ सबसे खतरनाक शर्ट की एक्शन थ्रिलर खिलाड़ी 420 जहां वह दौड़ते हुए कि विमान पर चढ़ गया, हवा में 1000 फीट उड़ते हुए विमान के ऊपर खड़ा हो गया और विमान से एक की ग्रह हवा के गुब्बारे पर कूद गया। बाद की एक दूसरी में उन्हें एक कार की द्वारा पीछा करते हुए गोलियों को चमकता देते हुए इमारतों से कूदते हुए और दीवारों पर चढ़ते हुए देखा जाता है। फिल्म में उनकी चतरीन के दो नाम थे और उनकी भूमिका मिली जुली समीक्षा मिली थी। सुकन्या वर्मा ने लिखा कि नकारात्मक की भूमिका और अक्षय कुमार के साथ साथ नहीं चलते। अक्षय हास्यास्पद के रूप से सिंचा पर है और कोर के परेशान करते हैं, हालांकि वह शांत और आनंद के रूप में एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि स्क्रीन की अपराज की नायर का मानना था कि यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 2001 में उनकी पहली रिलीज सुनील दर्शन की ड्रामा एक रिश्ता द ब्रांड ऑफ लव थी। फिल्म में उनकी प्रदर्शन के लिए कुमार की प्रशंसा की गई। इसके बाद उन्होंने अब्बास मस्तान की दारा मीर निर्देशित फिल्म की अजनबी भी एक ही नकारात्मक भूमिका निभाई के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए सरिता तंवर ने कुमार को फिल्म की सरप्राइज पैकेज करार दिया। उसने कहा कि वह बुरे आदमी के रूप में कुल नियंत्रण में था। फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार और नकारात्मक भूमिका में प्रदर्शन के लिए आईफा पुरस्कार 2002 जीता। 2002 में उनकी पहली रिलीज धर्मेश द्वारा निर्देशित की निर्देशित रोमांटिक ड्रामा हाँ मैंने प्यार किया थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल, आदित्य पंजोली, सुष्मिता सेन और परेश रावल की स्टार कलाकार विपिल की अमृतलाल की और सरगांव के देव पांडे द्वारा निर्देशित डकैती फिल्म आखिर में एक अंधे व्यक्ति की भूमिका निभाई। फिल्म में उन्हें प्रदर्शन में समीक्षकों के द्वारा सराहा गया था कि इसके बाद उन्होंने विकट भट्ट की निर्देशित की कॉमेडी आवारा पागल दीवाना में अभिनय किया कि फिल्म की समीक्षा में उल्लेख किया है कि हेरा फेरी एक ही रिश्ता द ब्रांड ऑफ लव और आंखें में देखी गई उनकी ईमानदारी और तुरंत की लग रही है कि वर्ष की उनकी आखिरी फिल्म
राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित की सुपर नेचुरल की हॉरर फिल्म यानी दुश्मन एक अनोखी कहानी थी, जिसमें मनीषा कोइराला, सुनील शेट्टी, सनी देओल, अफ्ताब शिवदासनी, अरशद वारसी, आदित्य पंजोली और अरमान कोहली थी। यह फिल्म कोहली की प्रूफ फिल्म की नागिन की रीमेक थी और इसे आलोचकों से ज्यादा नकारात्मक समीक्षा मिली थी कि तरण आदर्श ने लिखा, केवल मुनीस अरमान कोहली अक्षय कुमार एक प्रभाव छोड़ते हैं। 2003 में उन्होंने सुनील दर्शन की एक्शन फिल्म की तलाश में अभिनय किया। हॉट बिगनर्स के करीना कपूर के साथ फिल्म की समीक्षा करते हुए तरण आदर्श ने लिखा, अक्षय कुमार सारे औसत दर्जे की है, भूमिका शायद ये है कि उन्हें कुछ अलग करने की गुंजाइश देती है। इसके बाद उन्होंने प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता के साथ राज कुंवर की द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा अंदाज में अभिनय किया। फिल्म में आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर एक की वैसाई की सफलता और 2003 की पहली सार्वभौमिक की हिट साबित हुई। 2004 में कुमार ने अमिताभ के बचपन, अजय देवगन और ऐतरेय राय के साथ राजकुमार की संतोषी की एक्शन ड्रामा थ्रिलर में खाकी में अभिनय किया। कुमार ने इंस्पेक्टर के शेखर वर्मा की भूमिका निभाई, जो एक की भर नैतिक के रूप से दिवालिया पुलिस वाला है, जो एक ही आरोपी पाकिस्तानी जासूस डॉ इकबाल अंसारी अतुल कुलकर्णी की द्वारा अभिनीत कु महाराष्ट्री को एक की दूर सतीय शहर में मुंबई की स्थानांतरित करने के मिशन के दौरान खुद को बदल देता है। आलोचकों की द्वारा फिल्म और कुमार की अभिनय की सकारात्मक की समीक्षा की गई। फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर की सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनकी अन्य रिलीज में दिलीप शुक्ला अपराध की फिल्म पुलिस फोर्स ने एन की इनसाइड की स्टोरी शामिल थी। उन्होंने स्वीडर टर्नर, अमरीश पुरी और राज की बब्बर के साथ अभिनय किया। मुख्य अभिनेता टंडन और कुमार की ब्रेक अप के बाद फिल्म का निर्माण में देरी हुई। रिलीज होने पर इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। इसके बाद कुमार ने मधुर भंडारकर के द्वारा निर्देशित आन मेन की एक की एट वर्क में आईपीएस की अधिकारी के हरि ओम पटनायक की भूमिका निभाई। उन्होंने देवी धवन की द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी मुझसे शादी करोगी में सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा के साथ अभिनय किया। उन्होंने सनी समीर खान की द्वारा अभिनीत के रोमैन की भूमिका निभाई, जो रानी चोपड़ा और अभिनीत की समीर की प्रेम की रची का पीछा करता है। फिल्म को सकारात्मक की समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने कुमार की प्रशंसा की और लिखा, अक्षय कुमार एक की रहस्य डांटन है, वह अपने पिछले काम से आगे निकाला गया, उसका समय है। हेलो दोस्तों, स्वागत है। गायत्री भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मानसी के धर्मा के आसपास की वर्जनाओं से लड़ने का वचन देते हुए जाने का फैसला करती है। यह जाने के बाद कि सैनिटरी पैड का पास के बजाय अधिक शोषक की सेल्यूलोज की फाइबर का उपयोग करते हैं, लक्ष्मी सैनिटरी की नैपकिन में प्रयुक्त सामग्री के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक कॉलेज जाती है। पैसे और आत्रेय की जरूरत में वह एक प्रोफेसर के घर में नौकरी के रूप में काम करता है। प्रोफेसर का बेटा उसे इंटरनेट से परिचित करता है और जानकारी हासिल करने में उसकी मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी की हरकतों से चकित है और उन्हें उनके विचारों को पटरी से उतारने के लिए लाखों की पैड बनाने वाली मशीनों को वीडियो दिखाते हैं। इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। लक्ष्मी उसे प्रीत होकर अपनी पैड बनाने की मशीन बनाती है। वह पैसे उधार लेता है और एक अच्छा पैड बनाने का प्रबंधन करता है, लेकिन उसे परखने वाला कोई नहीं है। वह परिवारिया एक विशेष उपस्थिति में सोनम कपूर से मिलता है, जो शहर की एक आधुनिक की सृजित महिला है, और उसे एक पैड की आपूर्ति करता है। जब वह फीडबैक की मांगता है तो वह करती है कि यह एक सामान्य पैड की तरह है। लक्ष्मी एक खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वह गायत्री को खबर देने के लिए बुलाता है। मासिक की धर्म के प्रीत उसके जुनूनी से गायत्री परेशान हो जाती है और उसका भाई उसे दूर रहने की चेतावनी देता है।
परी लक्ष्मी की क्षमता को देखते ही और उसे दिल्ली में एक नवचार मेले में आमंत्रित करती है। लक्ष्मी को आविष्कार को लाइफ चेंजिंग की इनोवेशन की ऑफ द ईयर के रूप में पहचाना जाता है और वह प्रेसिडेंट के लिए गोली मारता है, लेकिन ग्रामीणों ने उसके आविष्कार की प्रकृति को महसूस करने पर उसका अपमान किया। परी की एक निराश लक्ष्मी को अपने पैड ग्रामीण की महिलाओं को बेचने में मदद करती है, जो बाद में उसके उगम में शामिल है। वो लक्ष्मी और एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करती है, कम लगता वाली पैड बनाने वाली मशीनों बनाती है, छोटे पैड बनाने का फैक्ट्रिया बनाती है और ग्रामीण की महिलाओं को बिक्री के लिए नौकरी और पैड दोनों ही उपलब्ध करती है। उन्हें न्यूयॉर्क में आमंत्रित किया जाता है और संयुक्त की राष्ट्र में भाषण की देते हैं। घर वापस उन्हें 35 से सम्मानित किया गया है कि परी को उससे प्यार हो जाता है, जिससे लक्ष्मी वो विवाद हो जाता है क्योंकि उसके मन भी उसके लिए भावनाएं होती है। हालांकि वह उसकी खुशी के लिए पीछे हट जाती है। लक्ष्मी ने उसे बताया कि उसने उसे एक नया आदमी बनाने में मदद की। लक्ष्मी अपने गांव में एक नायक के स्वागत के लिए लौटती है। फिल्म की लक्ष्मी और गायत्री के पुनर्मिलन के साथ समाप्त होती है और लक्ष्मी ने अपने प्रयासों के साथ निरंतर सफलता पाई। मैं एक क्यूट चित्र नहीं बनाना चाहता था, मैं एक व्यवसायिक की फिल्म बनाना चाहता था ताकि लोग इसे देख सके। यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। भले ही यह सैनिटरी पैड के बारे में बात करती है, जो एक सार्वभौमिक की विषय है, किसी ने कभी इस विषय को छूने की कोशिश नहीं की। यह फिल्म की तमिलनाडु के एक की समाजी की कार्यकर्ता की अरुणचलम की मुरुगनाथ के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने कम लागत की वाली सैनिटरी नैपकिन की मशीन बनाकर ग्रामीण भारत में मानसिंह की धर्म स्वच्छ की अवसाधारण में क्रांति ला दी थी। पैडमैन को व्यवसाय की पौलाओं पर ध्यान केंद्रित किए बिना जागरूकता की फिल्म के रूप में देखा गया था। निर्माताओं को मुख्य एजेंट की जागरूकता की पैड करने और सैनिटरी पैड के आसपास के भारत में प्रचलित की आवश्यकता को मिटाने के लिए व्यापक दर्शकों तक पहुंचना था। कुमार की पिछली फिल्म की टॉयलेट में एक प्रेम कथा की तरह उन्होंने महिलाओं और की पुरुषों को दोनों को मानसिंह की सधर्म की स्वच्छता के बारे में सिंचित करती है करने और इसे समाज के कल्याण कैया वर्जित के रूप में लेबल करने से रोकने की उम्मीद है। इसके अलावा यह राजनेताओं से सैनिटरी पैड की और अपना ध्यान आकर्षित करने और स्थानों में से इसकी अनिवार्य बनाने की अपील थी। मुरुगन के जीवन के लिए अनुकूलित करने का विचार 2015 में शुरू हुआ, जब ट्विंकल खाना को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कलाम के लिए एक शोध करते हुए उनकी कहानी का पता चला कि उनकी टूटता और डून संकल्प से प्रीत और प्रीत होकर उन्होंने अपनी पुस्तक द लेजेंड में ऑफ लक्ष्मी प्रसाद 2016 में उनके बारे में लिखा। साथ ही उनके जीवन के एक स्क्रीन की संस्करण की योजना बनाई गई ताकि आदि की दोस्तों तक पहुंचने के लिए हमारी दुनिया से दर्द से भरी हुई है, पाठकों से नहीं। खाना जो फिल्म पर सह-निर्माता के रूप में भी काम करते हैं, नेहा कहा कि मासिक धर्म और मुरुगनाथ के ढूंढ संकल्प के बारे में प्रसंगित कभी तक की कम आंका गया विषय के कारण वह इस परियोजना के लिए की आकर्षित हुई थी। उसने कहा कि निर्माता इस विषय के साथ रचनात्मक की स्वतंत्रता ले रहे होंगे जैसा कि उसने अपनी पुस्तक में किया था, ताकि इसे मनोरंजन की बनाया जा सके। फिल्म लेखन की और निर्देशित करने में लिए बार की आर बालकी खन्ना की पहली पसंद थी। उन्होंने पहले बालकी के काम को देखा था और फिल्म की निर्माण में उनकी संवेदनशीलता की सराहना की थी। नवंबर 2017 में सोनी पिक्चर्स फिल्म के लिए की वैकी की वितरण बन गई। अक्षय कुमार ने अरुणचलम की मुरुगनाथ पर आधारित लक्ष्मीकांत की चौहान की भूमिका निभाई है।
जिसे इंडिया की मस्टू ऑल मैन के रूप में भी जाना जाता है। भूमिका निभाने के लिए कुमार पहले ही पसंद नहीं थे, बल्कि और खाना चाहते थे कि कुमार की मुख्य भूमिका निभाए, और क्योंकि उन्हें लगा कि यह खेल बदलने वाली घटना होगी यदि कुमार, जिसे भारतीय जनता मूर्ति पूजा करती है और उस पुरुष की सैनिटरी की पैड पहनती है। प्री प्रोडक्शन मार्च 2017 में शुरू हुआ और प्रमुख फोटोग्राफी 14 मार्च को शुरू हुई। फिल्माकान अप्रैल की दिल्ली चला गया। मुरुगनाथा की भारत में सेट पर आर बालकी कुमार और खाना के साथ की मिलकर काम किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जिस तरह से उन्होंने अपनी मशीन का निर्माण किया उसे कैसे संचालित किया जाए, यहाँ तक कि उनके अपने आसान से भी हर विवरण की स्टीक था। फिल्म की आंधिकास की भाग्य मगयम से प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर के छोटे से शहर में शूट किया गया था। भारत में फिल्माकान में समाप्त होने के बाद टीम ने न्यूयॉर्क के शहर की यात्रा की, जहां महत्वपूर्ण दृश्यों को ब्रुकलिन की ब्रिज पर टाइम्स स्क्वायर में और लिंकन की थिएटर के जैज में और साथ ही संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में फिल्माया गया। हाफ की गर्लफ्रेंड के बाद साइट पर शूट होने वाली यह दूसरी बॉलीवुड फिल्म है। बॉलीवुड फिल्म द इंटरप्रेटर वहाँ शूटिंग की जाने वाली पहली फिल्म थी। फिल्म को शुरू में 23 नवंबर 2017 को रिलीज की योजना की थी, लेकिन बाद में 26 जनवरी को स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि 19 जनवरी को यह घोषणा की गई कि संजय लीला भंसाली की पंजावट के साथ टकराव से बचने के लिए फिल्म को 9 फरवरी 2018 तक ले की स्थगित कर दिया गया था। उसी दिन रिलीज होने वाली आयारी के साथ संभावित बॉक्स ऑफिस पर टकराव के बारे में कुमार ने तनाव की निंदा करते हुए कहा कि यह संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों फिल्मों में अलग अलग विषय है और विषय है। पैडमैन दुनिया भर में 3350 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है। भारत में 2750 स्क्रीन और विदेशों में 60 स्क्रीन की सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्म के होने के नाते निर्माता विभिन्न मंत्रालयों और सरकार की सहायता से छोटे शहरों और शहरों को विभिन्न स्कूलों में फिल्म के दिखाने की योजना बना रहे हैं। चीन में यह कि 14 दिसंबर 2018 को चीनी सेंसर के यदु हेवे की रेन के साथ जारी किया गया, जिसका अनुवाद भारतीय साथी के रूप में होता है। यह फिल्म जापान में सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट की जापान द्वारा 7 दिसंबर 2018 को सेंसर के साथ जारी की गई थी। पशु पैमैन की 5 अंकों के रीनो जोशी ओस को सकूटा की ओटोको को, जिसका अनुवाद पैडमैन की एक आदमी जिसने 50 मिलियन महिलाओं को बचाया के रूप में काम किया है। पहला ट्रेलर 15 दिसंबर 2017 को जारी किया गया था। इसके तुरंत बाद ट्रेलर ट्विटर पर हैशटैग के साथ ट्रेंड करने में लगा। कुमार को लापरवाही से सैटिनरी के नैपकिन के पहनने और उन्हें अपनी बहन को सौंपते हुए दिखाने वाले दृश्य एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए। 25 दिसंबर को एक दूसरे पोस्टर जारी किया गया था, जिसमें कुमार अपने हाथ में कपास पकड़ते हुए दिखाया गया, जिसमें चारों ओर फाइटर जीनियस की इनोवेशन की अनरियल के मैन नो सेम की रियल प्रॉब्लम एंड की पैशन की लिखा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे अनदिति पोस्टर कहा। पैडमैन को कुवैत में प्रदर्शित नहीं किया गया था और पाकिस्तान प्रतिबंधी की विषय के कारण इसे प्रतिबंधी कर दिया गया था। क्रेडी के फिल्म सेंसर बोर्ड की पाकिस्तान ने फिल्म को अनापराधी की अपरामंत्रण देने से इनकार कर दिया और कहा, हम ऐसी फिल्म की अनुमानित नहीं दे सकते जिसका नाम विषय और कहानी हमारे समाज में अभी तक की स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म की वितरकों और को फिल्म के अधिकार खरीदने की अनुमति नहीं दी और कहा कि वे इस्लामी परंपराओं इतिहास और संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। स्थानीय सिनेमाघरों से फिल्म की पोस्टर भी हटा दिए गए। कुछ पाकिस्तानी महिलाओं ने सेंसर बोर्ड को सैनिटरी पैड पकड़ते हुए अपनी तस्वीरों को भेजकर इन फैसला का विरोध किया है। 2011 के कनाडाई की संघ की चुनाव के दौरान या बाद में कंजर
कंजर्वेटिव की सरकार ने एक ही अल्पायन की कानून लागू की कुमार करके कुमार को कनाडा की नागरिकता की प्रदान की, जो कनाडा के अप्रवासियों के लिए सामान्य निवास की आवश्यकता को दरकिनार करने की अनुमति देता है। कंजर्वेटिव की पार्टी के एक पूर्व मंत्री टोना की कैलेमेंट के अनुसार कुमार को कनाडा भारतीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करने के लिए स्टार पावर और कनाडा के व्यापार संबंधों को व्यावसायिक संबंधों फेम क्षेत्र में डालने की पेशकश के बदलने में नागरिकता की प्रदान की गई थी। पर्यटन क्षेत्र में प्रारंभिक की जीवन और पृष्ठभूमि की कुमार का जन्म अमृतसर पंजाब भारत में हरी ओम की भटिया और अरुण भटिया के यहाँ पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता के सेना अधिकारी थे। कुमार की छोटी उम्र से खेलों में बहुत दिलचस्पी थी। उनके पिता भी कुश्ती का आनंद लेते थे। वह दिल्ली की चांदनी चौक में रहते थे और पले बड़े और बाद में वे बॉम्बे वर्तमान की मुंबई चले गए, जब उनके पिता ने यूनिसेफ के साथ अकाउंटेंट बनाने के लिए सेना छोड़ दी। जल्द ही उनकी बहन का जन्म हुआ और परिवार सेटल की बॉम्बे के एक पंजाबी की बहुल इलाके कोलीवाड़ी में रहने लगा। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा की डैन बॉस्को हाई स्कूल के मटुंगा से प्रीत की, साथ ही कटक कराटे सीखते हुए कि उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए गुरु नानक की खालसा कॉलेज में दाखिल लिया, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होने के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उसने अपने पिता से अनुरोध किया कि वह आगे मार्शल आर्ट की सीखना चाहता है और उसके पिता ने किसी तरह से थाईलैंड भेजने के लिए पैसा बचाया। कुमार मार्शल आर्ट की सीखने के लिए बैंकॉक गए और थाई की बंकिशन सीखते हुए कि 5 साल तक थाईलैंड में रहे। कुमार की एक बहन भी है, अलका भटिया। जब कुमार किशोर थे तो वह उनके पिता ने उनसे पूछा कि वह क्या बनना चाहते हैं। कुमार ने अभिनेता बनने की इच्छा व्यक्त की। भारत में रहते हुए ताइक्वांडो में एक ही बैले की बेल्ट प्राप्त करने के बाद उन्होंने बैंकॉक की थाईलैंड में सर मार्शल की आर्ट का अध्ययन किया, जहाँ उन्होंने माई थाई की सीख और एक सेफ और वेटर के रूप में काम किया। थाईलैंड के बाद कुमार कलकत्ता वर्तमान की कोलकाता में एक ट्रेलर एजेंसी, ढाका में एक होटल में सेफ और दिल्ली में काम करने गए, जहां उन्होंने कुंदन की आभूषण बेचे। बंबई लौटने पर उन्होंने मार्शल आर्ट का सिंशुप शुरू किया। इस समय के दौरान उनके एक छात्रा के पिता, जो खुद एक मॉडल समन्वयक थे, ने कुमार को मॉडलिंग में शामिल करने की सिफारिश की, जिसके कारण अंत एक फर्नीचर शोरूम के लिए मॉडलिंग की असाइनमेंट के नेतृत्व किया। कुमार ने अपने पूरे महीने की वेतन की तुलना में शूटिंग के पहले ही दो दिनों के भीतर प्रभावी के रूप से अधिक पैसा कमाया और इसलिए मॉडलिंग की करियर का रास्ता चुना। उन्होंने अपने पहले ही पोर्टफोलियो को शूट करने के लिए बिना भुगतान की फोटोग्राफी जय सेठ को सहायक के रूप में 18 महीने तक काम किया। उन्होंने विभिन्न फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम किया। एक सुबह वह बेंगलोर में एक विज्ञापन के शूट के लिए अपनी उड़ान की सूचना गए। खुद से निराश होकर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के साथ एक ही फिल्म स्टूडियो को दौरा किया। उस शाम कुमार को फिल्म की दीदार के लिए निर्माता प्रोम की चक्रवर्ती द्वारा मुख्य भूमिका के लिए साइन किया गया था। कुमार ने राखी और संत्रिप्रिया के साथ सोमवत 1991 में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। उसी वर्ष उन्होंने किशोर वैयास की निर्देशन की डांसर में अभिनय किया, जिसे खराब समीक्षा मिली। अगले वर्ष उन्होंने अब्बास मस्तान की द्वारा निर्देशित संप्रेस की थ्रिलर खिलाड़ी में अभिनय किया, जिसे व्यापारी के रूप से उनकी सफलता की भूमिका माना गया था। द इंडियन एक्सप्रेस में एक ही समीक्षा ने फिल्म को एक ही मनोरंजन की थ्रिलर कहा और कुमार को मुख्य भूमिका में प्रभावशाली की बताया कि उनकी शारीरिक की उपस्थिति, मजबूत स्क्रीन की उपस्थिति को देखते हुए और पूरी तरह से आराम से होने के लिए कि
उनकी सराहना की। उनकी अगली रिलीज जेम्स बॉन्ड पर आधारित राज की सीपी द्वारा निर्देशित जासूसी फिल्म की मिस्टर ब्रांड थी। 1992 में उनकी आखिरी रिलीज दीदार थी। यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। 1993 में उन्होंने विष्णुवर्धन और अत्रिनी भावे के साथ केशु रामेश की द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म की अशांत में अभिनय किया। 1993 के दौरान रिलीज हुई उनकी सभी फिल्मों को जिनमें दिल के बाजी, फायदा कानूनी, वक्त की हमारा है और सैनिक शामिल है ने व्यवसायिक के रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 1994 में वह 11 फीचर फिल्मों की दिखाई दिए। उन्होंने 2 फिल्मों में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई, समीर मलकान की मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और राजीव राय के मोहर दोनों साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से है। उस वर्ष 12 में और सफलता मिली जब उन्होंने यश चोपड़ा की द्वारा निर्मित रोमांस ये दिल्ली में काजोल के साथ अभिनय किया। वर्ष की सबसे बड़ी मुख्य धारा की सफलताओं में से एक फिल्म और उनकी प्रदर्शन दोनों को समीक्षकों की द्वारा अच्छी तरह से प्रभावित किया गया। द इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें हमेशा की प्रोसेमन की बताया और उनकी प्रदर्शन को अलग किया। फिल्म में उनकी काम ने उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड्स और स्टार स्क्रीन की अवार्ड्स में 37 अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया। उसी वर्ष के दौरान कुमार को सुहाग और काम के बजट के एक्शन फिल्म की ऐलान जैसा फिल्मों में भी सफलता मिली। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार इन सभी उपलब्धियों ने कुमार को वर्ष के सबसे सफल अभिनेता में से एक के रूप में स्थापित किया। कुमार को सफलता मिली जिसे बाद में खिलाड़ी श्रृंखला के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने खिलाड़ी के साथ 4थी और 5वीं एक्शन थ्रिलर फिल्मों में अभिनय किया। सबसे बड़ा खिलाड़ी 1995 और खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1996 की दोनों का निर्देशन उमेश मेहरा ने किया और व्यवसायी की सफलता के लिए रिलीज हुई। उन्होंने प्रू में दोहरी भूमिका निभाई। खिलाड़ियों को खिलाड़ी ने रेखा और रवीना टंडन को सह अभिनय किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान कुमार घायल हो गए और संयुक्त राज्य अमेरिका में इलाज के लिए चले गए। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता ने एक साल के अंत की समीक्षा में लिखा, खिलाड़ियों को खिलाड़ियों में अक्षय कुमार के साथ अक्षय कुमार के थे जिन्होंने गलियारियों को पैक किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि टकने की लंबाई के बड़े कोट पहनने भयानक अंडरटेकर के साथ कुश्ती की और फिल्म के साथ चले गए। कुमार ने यश चोपड़ा की निर्देशित की रोमांस दिल तो पागल है 1997 में सहायक भूमिका निभाई जिसमें शाहरुख खान की माधुरी तिरिज और करिश्मा कपूर ने अभिनय किया जिसके लिए कि उन्हें फिल्मफेयर की सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। उसी वर्ष उन्होंने डेविड धवन की द्वारा निर्देशित कॉमेडी मिस्टर एन की मिसेज की खिलाड़ी में चूही चाला के साथ अभिनय किया जो खिलाड़ी की त्रृंखला की 5वीं किस्त थी। त्रृंखला की उनकी पिछली फिल्मों को विपरीत यह व्यवसायिक के रूप से विफल रही। हालांकि की रोमांटिक एक्शन फिल्म की अफलातापूर्ण में एक और दोहरी भूमिका के साथ काफ़ी सफलता मिली। समीक्षक की खालिद की मोहम्मद ने फिल्म की आलोचना करते हुए कुमार की प्रयास को मजदूरी दी। अक्षय कुमार जीवन में आते हैं कुछ अलग करने के लिए, वह इसकी अवसर पर आगे बढ़ते हैं। उनकी निम्नलिखित की रिलीज व्यवसायिक के रूप से विफल रही और इसके कारण एक उनके फिल्म की करियर को झटका। 1999 में कुमार ने इंटरनेशनल के खिलाड़ी में ट्विंकल खन्ना के साथ खेला। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली साबित हुई। उन्हें संघर्ष और जावर फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए आलोचना की प्रशंसा मिली जबकि प्रू ने बॉक्स ऑफिस पर लाभ नहीं कमाया। बाद वाले एक ही व्यवसायी की सफलता साबित हुआ और उसने वापसी की। 2020 में कुमार ने प्रदर्शन की द्वारा निर्देशित कॉमेडी हेरा फेरी में परेश रावल
और सुनील शेट्टी के साथ अभिनय किया। यह फिल्म जो मलयालम फिल्म की रामजीव राव की स्पिंकिंग की रीमेक थी, एक की वैसाई की सफलता बन गई और कुमार की करियर में एक ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म की मानवीय विशेषता की अत्यर्थता के गहन चित्रण नोट किया। उन्होंने उसी वर्ष बाद में धर्मेश द्वारा की निर्देशित की रोमांटिक ड्रामा धड़कन में भी अभिनय किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मामूली प्रदर्शन किया, लेकिन कुमार को उनकी अभिनय के लिए सराहा गया कि संक्षेपा में कहा गया कि उनको साबित कर दिया है कि वह निर्देशन में अभिनेता है और उन्होंने अपनी भूमिका पर कड़ी मेहनत की है। उसी वर्ष उन्होंने नीरज वोहरा द्वारा की निर्देशित अपनी कुछ सबसे खतरनाक शर्ट की एक्शन थ्रिलर खिलाड़ी 420 जहां वह दौड़ते हुए कि विमान पर चढ़ गया, हवा में 1000 फीट उड़ते हुए विमान के ऊपर खड़ा हो गया और विमान से एक की ग्रह हवा के गुब्बारे पर कूद गया। बाद की एक दूसरी में उन्हें एक कार की द्वारा पीछा करते हुए गोलियों को चमकता देते हुए इमारतों से कूदते हुए और दीवारों पर चढ़ते हुए देखा जाता है। फिल्म में उनकी चतरीन के दो नाम थे और उनकी भूमिका मिली जुली समीक्षा मिली थी। सुकन्या वर्मा ने लिखा कि नकारात्मक की भूमिका और अक्षय कुमार के साथ साथ नहीं चलते। अक्षय हास्यास्पद के रूप से सिंसा पर है और कोर के परेशान करते हैं, हालांकि वह शांत और आनंद के रूप में एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि स्क्रीन की अपराज की नायर का मानना था कि यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 2001 में उनकी पहली रिलीज सुनील दर्शन की ड्रामा एक रिश्ता द ब्रांड ऑफ लवी थी। फिल्म में उनकी प्रदर्शन के लिए कुमार की प्रशंसा की गई। इसके बाद उन्होंने अब्बास मस्तान की दारा मीर निर्देशित फिल्म की अजनबी भी एक ही नकारात्मक भूमिका निभाई के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए सरिता तंवर ने कुमार को फिल्म की सरप्राइज पैकेज करार दिया। उसने कहा कि वह बुरे आदमी के रूप में कुल नियंत्रण में था। फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार और नकारात्मक भूमिका में प्रदर्शन के लिए आईफा पुरस्कार 2002 जीता। 2002 में उनकी पहली रिलीज धर्मेश द्वारा निर्देशित की निर्देशित रोमांटिक ड्रामा हाँ मैंने प्यार किया थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल, आदित्य पंजोली, सुष्मिता सेन और परेश रावल की स्टार कलाकार विपिल की अमृतलाल की और सरगांव के देव पांडे द्वारा निर्देशित डकैती फिल्म आखिर में एक अंधे व्यक्ति की भूमिका निभाई। फिल्म में उन्हें प्रदर्शन में समीक्षकों के द्वारा सराहा गया था कि इसके बाद उन्होंने विकट भट्ट की निर्देशित की कॉमेडी आवारा पागल दीवाना में अभिनय किया कि फिल्म की समीक्षा में उल्लेख किया है कि हेरा फेरी, एक ही रिश्ता, द ब्रांड ऑफ लव और आंखें में देखी गई उनकी ईमानदारी और तुरंतता की लग रही है कि वर्ष की उनकी आखिरी फिल्म राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित की सुपर नेचुरल की हॉरर फिल्म यानी दुश्मन एक अनोखी कहानी थी, जिसमें मनीषा कोइराला, सुनील शेट्टी, सनी देओल, अफ्ताब शिवदासनी, अरशद वारसी, आदित्य पंजोली और अरमान कोहली थी। यह फिल्म कोहली की प्रूफ फिल्म की नागिन की रीमेक थी और इसे आलोचकों से जयदार नकारात्मक समीक्षा मिली थी कि तरण आदर्श ने लिखा केवल मुनीस अरमान कोहली अक्षय कुमार एक प्रभाव छोड़ते हैं। 2003 में उन्होंने सुनील दर्शन की एक्शन फिल्म की तलाश में अभिनय किया। हर्ट बिगनर्स के करीना कपूर के साथ फिल्म की समीक्षा करते हुए तरण आदर्श ने लिखा अक्षय कुमार सारे औसत दर्जे की है, भूमिका शायद ये है कि उन्हें कुछ अलग करने की गुंजाइश देती है। इसके बाद उन्होंने प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता के साथ राज कुंवर की द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा अंदाज में अभिनय किया। फिल्म में आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर एक की वैसाई की सफलता और 2003 की पहली सार्वभौमिक की हिट साबित हुई। 2004 में कुमार ने अमिताभ के बचपन, अजय देवगन और ऐतरेय राय के साथ राजकुमार की संतोषी की एक्शन ड्रामा थ्रिलर में खाकी में अभिनय किया।
कुमार ने इंस्पेक्टर के शेखर वर्मा की भूमिका निभाई, जो एक ही भर नैतिक के रूप से दिवालिया पुलिस वाला है, जो एक ही आरोपी पाकिस्तानी जासूस डॉ इकबाल अंसारी अतुल कुलकर्णी की द्वारा अभिनीत कु महाराष्ट्री को एक ही दूर सतीय शहर में मुंबई की स्थानांतरित करने के मिशन के दौरान खुद को बदल देता है। आलोचकों की द्वारा फिल्म और कुमार के अभिनय की सकारात्मक की समीक्षा की गई। फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनकी अन्य रिलीज में दिलीप शुक्ला अपराध की फिल्म पुलिस फोर्स ने एन की इनसाइड की स्टोरी शामिल थी। उन्होंने स्वीडर टर्नर, अमरीश पुरी और राज की बब्बर के साथ अभिनय किया। मुख्य अभिनेता टंडन और कुमार की ब्रेक अप के बाद फिल्म का निर्माण में देरी हुई। रिलीज होने पर इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। इसके बाद कुमार ने मधुर भंडारकर के द्वारा निर्देशित आन मेन की एक की इट वर्क में आईपीएस की अधिकारी के हरि ओम पटनायक की भूमिका निभाई। उन्होंने देवी धवन की द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी मुझसे शादी करोगी में सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा के साथ अभिनय किया। उन्होंने सनी समीर खान की द्वारा अभिनीत के रोमैन की भूमिका निभाई, जो रानी चोपड़ा और अभिनीत की समीर की प्रेम की रेची का पीछा करता है। फिल्म को सकारात्मक की समीक्षा मिली। तरण आर्दस ने कुमार की प्रशंसा की और लिखा, अक्षय कुमार एक ही रहस्य डांटन है, वह अपने पिछले काम से आगे निकाला गया, उसका समय है। मैत्री भाई उसे ले जाती में प्रयुक्त सामग्री के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक कॉलेज जाती है। पैसे और आत्रेय की जरूरत में वह एक प्रोफेसर के घर में नौकरी के रूप में काम करता है। प्रोफेसर का बेटा उसे इंटरनेट से परिचित करता है और जानकारी हासिल करने में उसकी मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी की हरकतों से चकित है और उन्हें उनके विचारों को पटरी से उतारने के लिए लाखों की पैड बनाने वाली मशीनों को वीडियो दिखाते हैं। इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। लक्ष्मी उसे प्रीत होकर अपनी पैड बनाने की मशीन बनाती है। वह पैसे उधार लेता है और एक अच्छा पैड बनाने का प्रबंधन करता है, लेकिन उसे परखाने वाला कोई नहीं है। वह परिवालिया एक विशेष उपस्थिति में सोनम कपूर से मिलता है, जो शहर की एक आधुनिक की सृजित महिला है, और उसे एक पैड की आपूर्ति करता है, जो अब जब वह फीडबैक की मांगता है तो वह करती है कि यह एक सामान्य पैड की तरह है। लक्ष्मी एक खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वह गायत्री को खबर देने के लिए बुलाता है। मासिक की धर्म के प्रीत उसके जुनूनी से गायत्री परेशान हो जाती है और उसका भाई उसे दूर रहने की चेतावनी देता है। परी लक्ष्मी की क्षमता को देखते ही और उसे दिल्ली में एक नवचार मेले में आमंत्रित करती है। लक्ष्मी को आविष्कार को लाइफ चेंजिंग की इनोवेशन की ऑफ द ईयर के रूप में पहचाना जाता है और वह प्रेसिडेंट के लिए गोली मारता है, लेकिन ग्रामीणों ने उसके आविष्कार की प्रकृति को महसूस करने पर उसका अपमान किया। परी के एक निराश लक्ष्मी को अपने पैड ग्रामीण की महिलाओं को बेचने में मदद करती है, जो बाद में उसके उगम में शामिल है। वो लक्ष्मी और एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करती है, कम लगता वाली पैड बनाने वाली मशीनों बनाती है, छोटे पैड बनाने का फैक्ट्रिया बनाती है और गमरीन की महिलाओं को बिक्री के लिए नौकरी और पैड दोनों ही उपलब्ध करती है। उन्हें न्यूयॉर्क में आमंत्रित किया जाता है और संयुक्त की राष्ट्र में भाषण की देते हैं। घर वापस उन्हें पचरत्री से सम्मानित किया गया है कि परी को उससे प्यार हो जाता है, जिससे लक्ष्मी हुई विवाद हो जाता है क्योंकि उसके मन भी उसके लिए भावनाएं होती है। हालांकि वह उसकी खुशी के लिए पीछे हट जाती है। लक्ष्मी ने उसे बताया कि उसने उसे एक नया आदमी बनाने में मदद की। लक्ष्मी अपने गांव में एक नायक के स्वागत के लिए लौटती है। फिल्म की लक्ष्मी और गायत्री के पुनर्मिलन के साथ समाप्त होती है और लक्ष्मी ने अपने प्रयासों को साथ निरंतर सफलता पाई। मैं एक की ओर चित्र नहीं बनाना चाहता था, मैं एक ही
व्यावसायिक फिल्म बनाना चाहता था ताकि लोग इसे देख सके। यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। भले ही यह सैनिटरी पैड के बारे में बात करती है जो एक ही सार्वभौमिक की विषय है, किसी ने कभी इस विषय को छूने की कोशिश नहीं की। यह फिल्म की तमिलनाडु के एक की सामाजिक कार्यकर्ता की अरुणचलम की मुरुगनाथ के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने कम लागत की वाली सैनिटरी नैपकिन की मशीन बनाकर ग्रामीण भारत में मानसिंह की धर्म स्वच्छ की अवसाधारण में क्रांति ला दी थी। पैडमैन को व्यवसाय की पहलाओं पर ध्यान केंद्रित किए बिना जागरूकता की फिल्म के रूप में देखा गया था। निर्माताओं को मुख्य एजेंट की जागरूकता की पैड करने और सैनिटरी पैड के आसपास के भारत में प्रचलित की अवैधशिविर को मिटाने के लिए व्यापारिक दर्शकों तक पहुंचना था। कुमार की पिछली फिल्म की टॉयलेट में एक प्रेम कथा की तरह उन्होंने महिलाओं और की पुरुषों को दोनों को मानसिंह की सधर्म की स्वच्छता के बारे में सिंचित करती है करने और इसे समाज के कल्याण या वर्जित के रूप में लेबल करने से रोकने की उम्मीद है। इसके अलावा यह राजनेताओं से सैनिटरी पैड की और अपना ध्यान आकर्षित करने और स्थानों में से इसकी अनिवार्य बनाने की अपील थी। मुरुगन के जीवन के लिए अनुकूलित करने का विचार 2015 में शुरू हुआ जब ट्विंकल खाना को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कलाम के लिए एक शोध करते हुए उनकी कहानी का पता चला कि उनकी टूटता और डून संकल्प से प्रीत और प्रीत होकर उन्होंने अपनी पुस्तक द लेजेंड में ऑफ लक्ष्मी प्रसाद 2016 में उनके बारे में लिखा। साथ ही उनके जीवन के एक स्क्रीन की संस्करण की योजना बनाई गई ताकि आदि की दोस्तों तक पहुंचने के लिए हमारी दुनिया से दर्द से भरी हुई है, पाठकों से नहीं। खाना जो फिल्म पर स्वनिर्माता के रूप में भी काम करते हैं, नेहा कहा कि मासिक धर्म और मुरुगनाथ के ढूंढा संकल्प के बारे में प्रसंगित कभी तक की कम आंका गया विषय के कारण वह इस परियोजना के लिए की आकर्षित हुई थी। उसने कहा कि निर्माता इस विषय के साथ रचनात्मक की स्वतंत्रता ले रहे होंगे जैसा कि उसने अपनी पुस्तक में किया था, ताकि इसे मनोरंजन की बनाया जा सके। फिल्म लेखन की और निर्देशित करने में लिए आर बाल्की खन्ना की पहली पसंद थे। उन्होंने पहले बाल्की के काम को देखा था और फिल्म की निर्माण में उनकी संवेदनशीलता की सराहना की थी। नवंबर 2017 में सोनी पिक्चर्स फिल्म के लिए की वैकी की वितरण बन गई। अक्षय कुमार ने अरुणचलम की मुरुगनाथ पर आधारित लक्ष्मीकांत की चौहान की भूमिका निभाई है, जिसे इंडिया की मस्टू ऑल मैन के रूप में भी जाना जाता है। भूमिका निभाने के लिए कुमार पहले ही पसंद नहीं थे, बल्कि और खाना चाहते थे कि कुमार की मुख्य भूमिका निभाए, और क्योंकि उन्हें लगा कि यह खेल बदलने वाली घटना होगी यदि कुमार, जिसे भारतीय जनता मूर्ति पूजा करती है और उस पुरुष की सैनिटरी की पैड पहनती है। प्री प्रोडक्शन मार्च 2017 में शुरू हुआ और प्रमुख फोटोग्राफी 14 मार्च को शुरू हुई। फिल्माकान अप्रैल की दिल्ली चला गया। मुरुगनाथ की भारत में सेट पर आर बाल्की कुमार और खन्ना के साथ की मिलकर काम किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जिस तरह से उन्होंने अपनी मशीन का निर्माण किया उसे कैसे संचालित किया जाए, यहाँ तक कि उनके अपने आसान से भी हर विवरण की स्टीक था। फिल्म की आंधिकास की भाग्य मगयम से प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर के छोटे से शहर में शूट किया गया था। भारत में फिल्माकान में समाप्त होने के बाद टीम ने न्यूयॉर्क के शहर की यात्रा की, जहां महत्वपूर्ण दृश्यों को ब्रुकलिन की ब्रिज पर टाइम्स स्क्वायर में और लिंकन की सेंटर के जैज में और साथ ही संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में फिल्माया गया। हाफ की गर्लफ्रेंड के बाद साइट पर शूट होने वाली यह दूसरी बॉलीवुड फिल्म है। बॉलीवुड फिल्म द इन
इंटरप्रेटर वहाँ शूटिंग की जाने वाली पहली फिल्म थी। फिल्म को शुरू में 23 नवंबर 2017 को रिलीज की योजना की थी, लेकिन बाद में 26 जनवरी को स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि 19 जनवरी को यह घोषणा की गई कि संजय लीला भंसाली की पंजावट के साथ टकराव से बचने के लिए फिल्म को 9 फरवरी 2018 तक ले की स्थगित कर दिया गया था। उसी दिन रिलीज होने वाली आयारी के साथ संभावित बॉक्स ऑफिस पर टकराव के बारे में कुमार ने तनाव की निंदा करते हुए कहा कि यह संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों फिल्मों में अलग अलग विषय है और विषय है। पैडमैन दुनिया भर में 3350 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है। भारत में 2750 स्क्रीन और विदेशों में 60 स्क्रीन की सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्म के होने के नाते निर्माता विभिन्न मंत्रालयों और सरकार की सहायता से छोटे शहरों और शहरों को विभिन्न स्कूलों में फिल्म के दिखाने की योजना बना रहे हैं। चीन में यह कि 14 दिसंबर 2018 को चीनी सेंसर के यदु हेवे की रेन के साथ जारी किया गया, जिसका अनुवाद भारतीय साथी के रूप में होता है। यह फिल्म जापान में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की जापान द्वारा 7 दिसंबर 2018 को सेंसर के साथ जारी की गई थी। पशु पैमैन की 5 अंकों के रीनो जोशी ओस को सकूटा की ओटोको को, जिसका अनुवाद पैडमैन की एक आदमी जिसने 50 मिलियन महिलाओं को बचाया के रूप में काम किया है। पहला ट्रेलर 15 दिसंबर 2017 को जारी किया गया था। इसके तुरंत बाद ट्रेलर ट्विटर पर हैशटैग के साथ ट्रेंड करने में लगा। कुमार को लापरवाही से सैटिनरी के नैपकिन के पहनने और उन्हें अपनी बहन को सौंपते हुए दिखाने वाले दृश्य एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए। 25 दिसंबर को एक दूसरे पोस्टर जारी किया गया था, जिसमें कुमार अपने हाथ में कपास पकड़ते हुए दिखाया गया, जिसमें चारों ओर फाइटर जीनियस की इनोवेशन की अनरियल के मैन नो सेम की रियल प्रॉब्लम एंड की पैशन की लिखा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे अनदिति पोस्टर कहा। पैडमैन को कुवैत में प्रदर्शित नहीं किया गया था और पाकिस्तान प्रतिबंधी की विषय के कारण इसे प्रतिबंधी कर दिया गया था। क्रेडी के फिल्म सेंसर बोर्ड की पाकिस्तान ने फिल्म को अनापराधी की अपरामंत्रण देने से इनकार कर दिया और कहा, हम ऐसी फिल्म की अनुमानित नहीं दे सकते जिसका नाम, विषय और कहानी हमारे समाज में अभी तक की स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म की वितरकों और को फिल्म के अधिकार खरीदने की अनुमति नहीं दी और कहा कि वे इस्लामी परंपराओं, इतिहास और संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। स्थानीय की सिनेमाघरों से फिल्म की पोस्टर भी हटा दिए गए। कुछ पाकिस्तानी महिलाओं ने सेंसर बोर्ड को सैनिटरी पैड पकड़ते हुए अपनी तस्वीरें को भेजकर इन फैसला का विरोध किया है। 2011 के कनाडाई की संघीय की चुनाव के दौरान या बाद में कंजर्वेटिव की सरकार ने एक की अल्पायन की कानून लागू के कुमार करके कुमार को कनाडा की नागरिकता की प्रदान की, जो कनाडा के अप्रवासियों के लिए सामान्य निवास की आवश्यकता को दरकिनार करने की अनुमति देता है। कंजर्वेटिव की पार्टी के एक पूर्व मंत्री टोना की कैलेमेंट के अनुसार कुमार को कनाडा भारतीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करने के लिए स्टार पावर और कनाडा के व्यापार संबंधों को व्यावसायिक संबंधों फेम क्षेत्र में डालने की पेशकश के बदलने में नागरिकता की प्रदान की गई थी। पर्यटन क्षेत्र में प्रारंभिक की जीवन और पृष्ठभूमि की कुमार का जन्म अमृतसर पंजाब भारत में हरि ओम की भटिया और अरुण भटिया के यहाँ पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता के सेना अधिकारी थे। कुमार की छोटी उम्र से खेलों में बहुत दिलचस्पी थी। उनके पिता भी कुश्ती का आनंद लेते थे। वह दिल्ली की चांदनी चौक में रहते थे और पले बड़े और बाद में वे बॉम्बे वर्तमान की मुंबई चले गए, जब उनके पिता ने यूनिसेफ के साथ अकाउंटेंट बनाने के लिए सेना छोड़ दी। जल्द ही उनकी बहन का जन्म हुआ और परिवार सेटल की बॉम्बे के एक पंजाबी की बहुल इलाके कोलीवाड़ी में रहने लगा।
उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा की डैन बॉस्को हाई स्कूल के मटुंगा से प्रीत की, साथ ही कटक कराटे सीखते हुए की। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए गुरु नानक की खालसा कॉलेज में दाखिल लिया, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होने के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उसने अपने पिता से अनुरोध किया कि वह आगे मार्शल आर्ट की सीखना चाहता है, और उसके पिता ने किसी तरह से थाईलैंड भेजने के लिए पैसा बचाया। कुमार मार्शल आर्ट की सीखने के लिए बैंकॉक गए और थाई की बंकिशन सीखते हुए कि 5 साल तक थाईलैंड में रहे। कुमार की एक बहन भी है, अलका भाटिया। जब कुमार किशोर थे तो वह उनके पिता ने उनसे पूछा कि वह क्या बनना चाहते हैं। कुमार ने अभिनेता बनने की इच्छा व्यक्त की। भारत में रहते हुए ताइक्वांडो में एक ही बैले की बेल्ट प्राप्त करने के बाद उन्होंने बैंकॉक की थाईलैंड में सर मार्शल की आर्ट का अध्ययन किया, जहाँ उन्होंने माई थाई की सीख और एक सेफ और वेटर के रूप में काम किया। थाईलैंड के बाद कुमार कलकत्ता, वर्तमान की कोलकाता में एक ट्रेलर एजेंसी, ढाका में एक होटल में सेफ और दिल्ली में काम करने गए, जहां उन्होंने कुंदन की अवरोसन बेचे। बम्बई लौटने पर उन्होंने मार्शल आर्ट का सिंचुप शुरू किया। इस समय के दौरान उनके एक छात्रा के पिता, जो खुद एक मॉडल समन्वयक थे, ने कुमार को मॉडलिंग में शामिल करने की सिफारिश की, जिसके कारण अंत एक फर्नीचर शोरूम के लिए मॉडलिंग की असाइनमेंट के नेतृत्व किया। कुमार ने अपने पूरे महीने की वेटिंग की तुलना में शूटिंग के पहले ही दो दिनों के भीतर प्रभावी के रूप से अधिक पैसा कमाया, और इसलिए मॉडलिंग की करियर का रास्ता चुना। उन्होंने अपने पहले ही पोर्टफोलियो को शूट करने के लिए बिना भुगतान की फोटोग्राफी जय सेठ को सहायक के रूप में 18 महीने तक काम किया। उन्होंने विभिन्न फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम किया। एक सुबह वह बेंगलोर में एक विज्ञापन के शूट के लिए अपनी उड़ान की सूचक गए। खुद से निराश होकर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के साथ एक ही फिल्म स्टूडियो को दौरा किया। उस शाम कुमार को फिल्म की दीदार के लिए निर्माता प्रोम की चक्रवर्ती द्वारा मुख्य भूमिका के लिए साइन किया गया था। कुमार ने राखी और संत्रिप्रिया के साथ सोमवत 1991 में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। उसी वर्ष उन्होंने किशोर वैयास के निर्देशन की डांसर में अभिनय किया, जिसे खराब समीक्षा मिली। अगले वर्ष उन्होंने अब्बास मस्तान की द्वारा निर्देशित संस्प्रेस की थ्रिलर खिलाड़ी में अभिनय किया, जिसे व्यापारी के रूप से उनकी सफलता की भूमिका माना गया था। द इंडियन एक्सप्रेस में एक ही समीक्षा ने फिल्म को एक ही मनोरंजन की थ्रिलर कहा, और कुमार को मुख्य भूमिका में प्रभावशाली की बताया कि उनकी शारीरिक की उपस्थिति, मजबूत स्क्रीन की उपस्थिति को देखते हुए और पूरी तरह से आराम से होने के लिए की उनकी सराहना की। उनकी अगली रिलीज जेम्स बॉन्ड पर आधारित राज की सीपी द्वारा निर्देशित जासूसी फिल्म की मिस्टर ब्रांड थी। 1992 में उनकी आखिरी रिलीज दीदार थी। यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। 1993 में उन्होंने डॉ विष्णुवर्धन और अत्रिनी भावे के साथ केशु रामेश की द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म की अशांत में अभिनय किया। 1993 के दौरान रिलीज हुई उनकी सभी फिल्मों को, जिनमें दिल के बाजी, फायदा कानूनी, वक्त की हमारा है और सैनिक शामिल है, ने व्यवसायिक के रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 1994 में वह 11 फीचर फिल्मों की दिखाई दिए। उन्होंने 2 फिल्मों में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई, समीर मलकान की मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और राजीव राय के मोहर, दोनों साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से है। उस वर्ष 12 में और सफलता मिली जब उन्होंने यश चोपड़ा की द्वारा निर्मित रोमांस ये दिल्ली में काजोल के साथ अभिनय किया। वर्ष की सबसे बड़ी मुख्यधारा की सफलताओं में से एक फिल्म और उनकी प्रदर्शन दोनों को समीक्षकों की द्वारा अच्छी तरह से प्रभावित किया गया। द इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें हमेशा की प्रोसेमंद की बताया और उनकी प्रदर्शन को अलग किया। फिल्म में उनके काम ने उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड्स
और स्टार स्क्रीन की अवार्ड्स में 37 अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया। उसी वर्ष के दौरान कुमार को सुहाग और काम के बजट के एक्शन फिल्म की ऐलान जैसा फिल्मों में भी सफलता मिली। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार इन सभी उपलब्धियों ने कुमार को वर्ष के सबसे सफल अभिनेता में से एक के रूप में स्थापित किया। कुमार को सफलता मिली जिसे बाद में खिलाड़ी श्रृंखला के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने खिलाड़ी के साथ चौथी और पांचवी एक्शन थ्रिलर फिल्मों में अभिनय किया। सबसे बड़ा खिलाड़ी 1995 और खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1996 की दोनों का निर्देशन उमेश मेहरा ने किया और वैसाई की सफलता के लिए रिलीज हुई। उन्होंने प्रू में दोहरी भूमिका निभाई। खिलाड़ियों को खिलाड़ी ने रेखा और रवीना टंडन को सह अभिनय किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान कुमार घायल हो गए और संयुक्त राज्य अमेरिका में इलाज के लिए चले गए। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता ने एक साल के अंत की समीक्षा में लिखा, खिलाड़ियों को खिलाड़ियों में अक्षय कुमार के साथ अक्षय कुमार के थे जिन्होंने गलियारियों को पैक किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि टकने की लंबाई के बड़े कोट पहनने भयानक अंडरटेकर के साथ कुश्ती की और फिल्म के साथ चले गए। कुमार ने यश चोपड़ा की निर्देशित की रोमांस दिल तो पागल है 1997 में सहायक भूमिका निभाई जिसमें शाहरुख खान की माधुरी तिरिज और करिश्मा कपूर ने अभिनय किया जिसके लिए कि उन्हें फिल्म फेयर की सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। उसी वर्ष उन्होंने डेविड धवन की द्वारा निर्देशित कॉमेडी मिस्टर एन की मिसेज की खिलाड़ी में चूही चाला के साथ अभिनय किया जो खिलाड़ी की श्रृंखला की पांचवी किस्त थी। श्रृंखला की उनकी पिछली फिल्मों को विपरीत यह व्यवसायी के रूप से विफल रही। हालांकि की रोमांटिक एक्शन फिल्म की अफलातापूर्ण में एक और दोहरी भूमिका के साथ काफ़ी सफलता मिली। समीक्षक की खालिद की मोहम्मद ने फिल्म की आलोचना करते हुए कुमार की प्रयास को मजदूरी दी। अक्षय कुमार जीवन में आते हैं कुछ अलग करने के लिए, वह इसकी अवसर पर आगे बढ़ते हैं। उनकी निम्नलिखित की रिलीज व्यवसायी के रूप से विफल रही और इसके कारण एक उनके फिल्म की करियर को झटका। 1999 में कुमार ने इंटरनेशनल के खिलाड़ी में ट्विंकल खन्ना के साथ खेला। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली साबित हुई। उन्हें संघर्ष और जावर फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए आलोचना की प्रशंसा मिली जबकि प्रू ने बॉक्स ऑफिस पर लाभ नहीं कमाया। बाद वाला एक ही व्यवसायी की सफलता साबित हुआ और उसने वापसी की। 2020 में कुमार ने प्रियदर्शन की द्वारा निर्देशित कॉमेडी हेरा फेरी में परेश रावल और सुनील शेट्टी के साथ अभिनय किया। यह फिल्म जो मलयालम फिल्म की रामजीव राव की संपिंगिंग की रीमेक थी एक ही व्यवसायी की सफलता बन गई और कुमार की करियर में एक ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म की मानवीय विशेषता की अत्यर्थता के गहन चित्रण नोट किया। उन्होंने उसी वर्ष बाद में धर्मेश द्वारा की निर्देशित की रोमांटिक ड्रामा धड़कन में भी अभिनय किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मामूली प्रदर्शन किया लेकिन कुमार को उनके अभिनय के लिए सराहा गया कि संक्षिप्त में कहा गया कि उनको साबित कर दिया है कि वह निर्देशन में अभिनेता है और उन्होंने अपनी भूमिका पर कड़ी मेहनत की है। उसी वर्ष उन्होंने नीरज वोहरा द्वारा की निर्देशित अपनी कुछ सबसे खतरनाक स्टंट किए एक्शन थ्रिलर खिलाड़ी 420 जहां वह दौड़ते हुए कि विमान पर चढ़ गया। हवा में 1000 फीट उड़ते हुए विमान के ऊपर खड़ा हो गया और विमान से एक ही ग्रह हवा के गुब्बारे पर कूद गया। बाद की एक दूसरे में उन्हें एक कार की द्वारा पीछा करते हुए गोलियों को चमकता देते हुए इमारतों से कूदते हुए और दीवारों पर चढ़ते हुए देखा जाता है। फिल्म में उनकी चतरीन के दो नाम थे और उनकी भूमिका मिली जुली समीक्षा मिली थी। सुकन्या वर्मा ने लिखा कि नकारात्मक की भूमिका और अक्षय कुमार के साथ साथ नहीं चलते
अक्षय हास्य पद के रूप से सिंचा परे और कोर के परेशान करते हैं। हालांकि वह शांत और आनंद के रूप में एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि स्क्रीन की अपराज की नायर का मानना था कि यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 2001 में उनकी पहली रिलीज सुनील दर्शन की ड्रामा एक रिश्ता द ब्रांड ऑफ लव थी। फिल्म में उनकी प्रदर्शन के लिए कुमार की प्रशंसा की गई। इसके बाद उन्होंने अब्बास मस्तान की दारा मीरदीन निर्देशित फिल्म की अजनबी में एक नकारात्मक भूमिका निभाई के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए सरिता तंवर ने कुमार को फिल्म की सरप्राइज पैकेज करार दिया। उसने कहा कि वह बुरे आदमी के रूप में कुल नियंत्रण में था। फिल्म ने उन्हें सौतेज खलनायक के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार और नकारात्मक भूमिका में प्रदर्शन के लिए आईफा पुरस्कार 2002 जीता। 2002 में उनकी पहली रिलीज धर्मेश द्वारा निर्देशित की निर्देशित रोमांटिक ड्रामा हाँ मैंने प्यार किया थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल, आदित्य पंजोली, सुष्मिता सेन और परेश रावल की स्टार कलाकार विपिल की अमृतलाल की स और सरगम के देव पांडे द्वारा निर्देशित डकैती फिल्म आखिर में एक अंधे व्यक्ति की भूमिका निभाई। फिल्म में उन्हें प्रदर्शन में समीक्षकों के द्वारा सराहा गया था कि इसके बाद उन्होंने विकट भट्ट की निर्देशित की कॉमेडी आवारा पागल दीवाना में अभिनय किया कि फिल्म की समीक्षा में उल्लेख किया है कि हेरा फेरी एक ही रिश्ता द ब्रांड ऑफ लव और आंखें में देखी गई उनकी ईमानदारी और तुरंतता की लग रही है कि वर्ष की उनकी आखिरी फिल्म राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित की सुपर नेचुरल की हॉरर फिल्म यानी दुश्मन एक अनोखी कहानी थी जिसमें मनीषा कोइराला, सुनील शेट्टी, सनी देओल, आफ्ताब शिवदासनी, अरशद वारसी, आदित्य पंजोली और अरमान कोहली थी। यह फिल्म कोहली की प्रूफ फिल्म की नागिन की रीमेक थी और इसे आलोचकों से ज्यादा नकारात्मक समीक्षा मिली थी कि तरण आदर्श ने लिखा केवल मुनीस अरमान कोहली अक्षय कुमार एक प्रभाव छोड़ते हैं। 2003 में उन्होंने सुनील दर्शन की एक्शन फिल्म की तलाश में अभिनय किया। हर्ट बिगनर्स के करीना कपूर के साथ फिल्म की समीक्षा करते हुए तरण आदर्श ने लिखा अक्षय कुमार सारे औसत दर्जे की यह भूमिका शायद ये है कि उन्हें कुछ अलग करने की गुंजाइश देती है। इसके बाद उन्होंने प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता के साथ राज कुंवर की द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा अंदाज में अभिनय किया। फिल्म में आलोचकों से मिट्टी समीक्षा मिली लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर एक की वैसाई की सफलता और 2003 की पहली सार्वभौमिक की हिट साबित हुई। 2004 में कुमार ने अमिताभ के बचपन, अजय देवगन और ऐतरेय राय के साथ राजकुमार की संतोषी की एक्शन ड्रामा थ्रिलर में खाकी में अभिनय किया। कुमार ने इंस्पेक्टर के शेखर वर्मा की भूमिका निभाई जो एक की भर नैतिक के रूप से दिवालिया पुलिस वाला है जो एक ही आरोपी पाकिस्तानी जासूस द इकबाल अंसारी अतुल कुलकर्णी की द्वारा अभिनीत कु महाराष्ट्री को एक की दूर सतीय शहर में मुंबई की स्थानांतरित करने के मिशन के दौरान खुद को बदल देता है। आलोचकों की द्वारा फिल्म और कुमार की अभिनय की सकारात्मक की समीक्षा की गई। फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर की सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनकी अन्य रिलीज में दिलीप शुक्ला अपराध की फिल्म पुलिस फोर्स ने एन की इनसाइड की स्टोरी शामिल थी। उन्होंने स्वीडर टर्नर, अमरीश पुरी और राज की बब्बर के साथ अभिनय किया। मुख्य अभिनेता टंडन और कुमार की ब्रेक अप के बाद फिल्म का निर्माण में देरी हुई। रिलीज होने पर इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। इसके बाद कुमार ने मधुर भंडारकर के द्वारा निर्देशित आन मेन की एक की एट वर्क में आईपीएस की अधिकारी के हरि ओम पटनायक की भूमिका निभाई। उन्होंने देवी धवन की द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी मुझसे शादी करोगी में सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा के साथ अभिनय किया। उन्होंने सनी समीर खान की द्वारा अभिनीत के रोमैन की भूमिका निभाई जो रानी चोपड़ा और अभिनीत की समीर की प्रेम की रेची का पीछा करता है। फिल्म को सकारात्मक की समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने कुमार की प्रशंसा की और लिखा अक्षय कुमार एक ही रहस्य योद्धा है, वह अपने पिछले काम से आगे निकाला गया उसका समय है में प्रयुक्त नहीं है और वह गायत्री को खबर देने के लिए बुलाता है।
मासी की धर्म के प्रीत उसके जुनूनी से गायत्री परेशान हो जाती है और उसका भाई उसे दूर रहने की चेतावनी देता है। परी लक्ष्मी की क्षमता को देखते ही और उसे दिल्ली में एक नवचार मेले में आमंत्रित करती है। लक्ष्मी को आविष्कार को लाइफ चेंजिंग की इनोवेशन की ऑफ द ईयर के रूप में पहचाना जाता है और वह प्रेसिडेंट के लिए गोली मारता है, लेकिन ग्रामीणों ने उसके आविष्कार की प्रकृति को महसूस करने पर उसका अपमान किया। परी की एक निराश लक्ष्मी को अपने पैड ग्रामीण की महिलाओं को बेचने में मदद करती है जो बाद में उसके उगम में शामिल है। वो लक्ष्मी और एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करती है, कम लगता वाली पैड बनाने वाली मशीनों बनाती है, छोटे पैड बनाने का फैक्ट्रिया बनाती है और गमरीन की महिलाओं को बिक्री के लिए नौकरी और पैड दोनों ही उपलब्ध करती है। उन्हें न्यूयॉर्क में आमंत्रित किया जाता है और संयुक्त की राष्ट्र में भाषण की देते हैं। घर वापस उन्हें 35 से सम्मानित किया गया है कि परी को उससे प्यार हो जाता है, जिससे लक्ष्मी हुई विवाद हो जाता है क्योंकि उसके मन भी उसके लिए भावनाएं होती है। हालांकि वह उसकी खुशी के लिए पीछे हट जाती है। लक्ष्मी ने उसे बताया कि उसने उसे एक नया आदमी बनाने में मदद की। लक्ष्मी अपने गांव में एक नायक के स्वागत के लिए लौटती है। फिल्म की लक्ष्मी और गायत्री के पुनर्मिलन के साथ समाप्त होती है और लक्ष्मी ने अपने प्रयासों को साथ निरंतर सफलता पाई। मैं एक की ओर चित्र नहीं बनाना चाहता था, मैं एक व्यवसायिक की फिल्म बनाना चाहता था ताकि लोग इसे देख सके। यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। भले ही यह सैनिटरी पैड के बारे में बात करती है जो एक की सार्वभौमिक की विषय है, किसी ने कभी इस विषय को छूने की कोशिश नहीं की। यह फिल्म की तमिलनाडु के एक की समाजी की कार्यकर्ता की अरुणचलम की मुरुगनाथ के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने कम लागत की वाली सैनिटरी नैपकिन की मशीन बनाकर ग्रामीण भारत में मानसिंह की धर्म स्वच की अवसाधारण में क्रांति ला दी थी। पैडमैन को व्यवसायी की पौलाओं पर ध्यान केंद्रित किए बिना जागरूकता की फिल्म के रूप में देखा गया था। निर्माताओं को मुख्य एजेंट की जागरूकता की पैड करने और सैनिटरी पैड के आसपास के भारत में प्रचलित की आवश्यकता को मिटाने के लिए व्यापारिक दर्शकों तक पहुंचना था। कुमार की पिछली फिल्म की टॉयलेट में एक प्रेम कथा की तरह उन्होंने महिलाओं और की पुरुषों को दोनों को मानसिंह की सधर्म की स्वच्छता के बारे में सिंचित करती है करने और इसे समाज के कल्याणक या वर्जित के रूप में लेबल करने से रोकने की उम्मीद है। इसके अलावा यह राजनेताओं से सैनिटरी पैड की और अपना ध्यान आकर्षित करने और स्थानों में से इसकी अनिवार्य बनाने की अपील थी। मुरुगन के जीवन के लिए अनुकूलित करने का विचार 2015 में शुरू हुआ जब ट्विंकल खाना को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कलाम के लिए एक शोध करते हुए उनकी कहानी का पता चला कि उनकी टूटता और डून संकल्प से प्रीत और प्रीत होकर उन्होंने अपनी पुस्तक द लेजेंड में ऑफ लक्ष्मी प्रसाद 2016 में उनके बारे में लिखा। साथ ही उनके जीवन के एक स्क्रीन की संस्करण की योजना बनाई गई ताकि आदि के दोस्तों तक पहुंचने के लिए हमारी दुनिया से दर्द से भरी हुई है, पाठकों से नहीं। खाना जो फिल्म पर स्वर निर्माता के रूप में भी काम करते हैं, नेहा कहा कि मासिक धर्म और मुरुगनाथ के ढूंढा संकल्प के बारे में प्रसंगित कभी तक की कम आंका गया विषय के कारण वह इस परियोजना के लिए की आकर्षित हुई थी। उसने कहा कि निर्माता इस विषय के साथ रचनात्मक की स्वतंत्रता ले रहे होंगे जैसा कि उसने अपनी पुस्तक में किया था, ताकि इसे मनोरंजन की बनाया जा सके। फिल्म लेखन की और निर्देशित करने में लिए बार की
आर बाल्की खन्ना की पहली पसंद थे। उन्होंने पहले बाल्की के काम को देखा था और फिल्म की निर्माण में उनकी संवेदनशीलता की सराहना की थी। नवंबर 2017 में सोनी पिक्चर्स फिल्म के लिए की वैकी की वितरण बन गई। अक्षय कुमार ने अरुण चलम की मुरुगनाथ पर आधारित लक्ष्मीकांत की चौहान की भूमिका निभाई है, जिसे इंडिया की मस्टू ऑल मैन के रूप में भी जाना जाता है। भूमिका निभाने के लिए कुमार पहले ही पसंद नहीं थे, बल्कि और खाना चाहते थे कि कुमार की मुख्य भूमिका निभाए, और क्योंकि उन्हें लगा कि यह खेल बदलने वाली घटना होगी यदि कुमार, जिसे भारतीय जनता मूर्ति पूजा करती है और उस पुरुष की सैनिटरी की पैड पहनती है। प्री प्रोडक्शन मार्च 2017 में शुरू हुआ और प्रमुख फोटोग्राफी 14 मार्च को शुरू हुई। फिल्माकान अप्रैल की दिल्ली चला गया। मुरुगनाथ की भारत में सेट पर आर बाल्की कुमार और खन्ना के साथ की मिलकर काम किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जिस तरह से उन्होंने अपनी मशीन का निर्माण किया उसे कैसे संचालित किया जाए, यहाँ तक कि उनके अपने आसान से भी हर विवरण की स्टीक था। फिल्म की आंधिकास की भाग्य मगयम से प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर के छोटे से शहर में शूट किया गया था। भारत में फिल्माकान में समाप्त होने के बाद टीम ने न्यूयॉर्क के शहर की यात्रा की, जहां महत्वपूर्ण दृश्यों को ब्रुकलिन की ब्रिज पर टाइम्स स्क्वायर में और लिंकन की सेंटर के जैज में और साथ ही संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में फिल्माया गया। हाफ की गर्लफ्रेंड के बाद साइट पर शूट होने वाली यह दूसरी बॉलीवुड फिल्म है। बॉलीवुड फिल्म द इंटरप्रेटर वहाँ शूटिंग की जाने वाली पहली फिल्म थी। फिल्म को शुरू में 23 नवंबर 2017 को रिलीज की योजना की थी, लेकिन बाद में 26 जनवरी को स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि 19 जनवरी को यह घोषणा की गई कि संजय लीला भंसाली की पंजावट के साथ टकराव से बचने के लिए फिल्म को 9 फरवरी 2018 तक ले की स्थगित कर दिया गया था। उसी दिन रिलीज होने वाली आयारी के साथ संभावित बॉक्स ऑफिस पर टकराव के बारे में कुमार ने तनाव की निंदा करते हुए कहा कि यह संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों फिल्मों में अलग अलग विषय हैं। पैडमैन दुनिया भर में 3350 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है। भारत में 2750 स्क्रीन और विदेशों में 60 स्क्रीन की सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्म के होने के नाते निर्माता विभिन्न मंत्रालयों और सरकार की सहायता से छोटे शहरों और शहरों को विभिन्न स्कूलों में फिल्म के दिखाने की योजना बना रहे हैं। चीन में यह कि 14 दिसंबर 2018 को चीनी सेंसर के यदु हेवे की रेन के साथ जारी किया गया, जिसका अनुवाद भारतीय साथी के रूप में होता है। यह फिल्म जापान में सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट की जापान द्वारा 7 दिसंबर 2018 को सेंसर के साथ जारी की गई थी। पशुपैमैन की 5 अंकों के रीनो जोशी ओस को सकूटा की ओटोको को, जिसका अनुवाद पैडमैन की एक आदमी जिसने 50 मिलियन महिलाओं को बचाया के रूप में काम किया है। पहला ट्रेलर 15 दिसंबर 2017 को जारी किया गया था। इसके तुरंत बाद ट्रेलर ट्विटर पर हैशटैग के साथ ट्रेंड करने में लगा। कुमार को लापरवाही से सैटिनरी के नैपकिन के पहनने और उन्हें अपनी बहन को सौंपते हुए दिखाने वाले दृश्य एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए। 25 दिसंबर को एक दूसरे पोस्टर जारी किया गया था, जिसमें कुमार अपने हाथ में कपास पकड़ते हुए दिखाया गया, जिसमें चारों ओर फाइटर जीनियस की इनोवेशन की अनरियल के मैन नो सेम की रियल प्रॉब्लम एंड की पैशन की लिखा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे अनदिती पोस्टर कहा। पैडमैन को कुवैत में प्रदर्शित नहीं किया गया था और पाकिस्तान प्रतिबंधी की विषय के कारण इसे प्रतिबंधी कर दिया गया था। क्रेडी के फिल्म सेंसर बोर्ड की पाकिस्तान ने फिल्म को अनापराधी की अपरामंत्रण देने से इनकार कर दिया और कहा, हम ऐसी फिल्म की अनुमानित नहीं दे सकते जिसका नाम, विषय और कहानी हमारे समाज में
अभी तक की स्वीकार नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म की वितरकों और को फिल्म की अधिकार खरीदने की अनुमति नहीं दी और कहा कि वे इस्लामी परंपराओं, इतिहास और संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। स्थानीय की सिनेमाघरों से फिल्म की पोस्टर भी हटा दिए गए। कुछ पाकिस्तानी महिलाओं ने सेंसर बोर्ड को सैनिटरी पैड पकड़ते हुए अपनी तस्वीरें को भेजकर इन फैसला का विरोध किया है। 2011 के कनाडाई की संघीय की चुनाव के दौरान या बाद में कंजर्वेटिव की सरकार ने एक ही अल्पायन की कानून लागू के कुमार करके कुमार को कनाडा की नागरिकता की प्रदान की, जो कनाडा के अप्रवासियों के लिए सामान्य निवास की आवश्यकता को दरकिनार करने की अनुमति देता है। कंजर्वेटिव की पार्टी के एक पूर्व मंत्री टोना की कैलेमेंट के अनुसार कुमार को कनाडा भारतीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करने के लिए स्टार पावर और कनाडा के व्यापार संबंधों को व्यवसायिक संबंधों फेम क्षेत्र में डालने की पेशकश के बदलने में नागरिकता की प्रदान की गई थी। पर्यटन क्षेत्र में प्रारंभिक की जीवन और पृष्ठभूमि की कुमार का जन्म अमृतसर पंजाब भारत में हरि ओम की भटिया और अरुण भटिया के यहाँ पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता के सेना अधिकारी थे। कुमार की छोटी उम्र से खेलों में बहुत दिलचस्पी थी। उनके पिता भी कुश्ती का आनंद लेते थे। वह दिल्ली की चांदनी चौक में रहते थे और पले बड़े और बाद में वे बॉम्बे वर्तमान की मुंबई चले गए, जब उनके पिता ने यूनिसेफ के साथ अकाउंटेंट बनाने के लिए सेना छोड़ दी। जल्द ही उनकी बहन का जन्म हुआ और परिवार सेटल की बॉम्बे के एक पंजाबी की बहुल इलाके कोलीवाड़ी में रहने लगा। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा की डॉन बॉस्को हाई स्कूल के मटुंगा से प्रीत की। साथ ही कटक कराटे सीखते हुए कि उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए गुरु नानक की खालसा कॉलेज में दाखिल लिया, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होने के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उसने अपने पिता से अनुरोध किया कि वह आगे मार्शल आर्ट की सीखना चाहता है और उसके पिता ने किसी तरह से थाईलैंड भेजने के लिए पैसा बचाया। कुमार मार्शल आर्ट की सीखने के लिए बैंकॉक गए और थाई की बॉक्सिंग सीखते हुए कि 5 साल तक थाईलैंड में रहे। कुमार की एक बहन भी है, अलका भटिया। जब कुमार किशोर थे तो वह उनके पिता ने उनसे पूछा कि वह क्या बनना चाहते हैं। कुमार ने अभिनेता बनने की इच्छा व्यक्त की। भारत में रहते हुए टाइक्वांडो में एक ही बैले की बेल्ट प्राप्त करने के बाद उन्होंने बैंकॉक की थाईलैंड में सर मार्शल की आर्ट का अध्ययन किया, जहाँ उन्होंने माई थाई की सीख और एक सेफ और वेटर के रूप में काम किया। थाईलैंड के बाद कुमार कलकत्ता वर्तमान की कोलकाता में एक ट्रेलर एजेंसी, ढाका में एक होटल में सेफ और दिल्ली में काम करने गए, जहां उन्होंने कुंदन की अवरोसन बेचे। बंबई लौटने पर उन्होंने मार्शल आर्ट का सेंशुप शुरू किया। इस समय के दौरान उनके एक छात्रा के पिता, जो खुद एक मॉडल समन्वयक थे, ने कुमार को मॉडलिंग में शामिल करने की सिफारिश की, जिसके कारण अंत एक फर्नीचर शोरूम के लिए मॉडलिंग की असाइनमेंट के नेतृत्व किया। कुमार ने अपने पूरे महीने की वेतन की तुलना में शूटिंग के पहले ही दो दिनों के भीतर प्रभावी के रूप से अधिक पैसा कमाया और इसलिए मॉडलिंग की करियर का रास्ता चुना। उन्होंने अपने पहले ही पोर्टफोलियो को शूट करने के लिए बिना भुगतान की फोटोग्राफी जय सेठ को सहायक के रूप में 18 महीने तक काम किया। उन्होंने विभिन्न फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम किया। एक सुबह वह बेंगलोर में एक विज्ञापन के शूट के लिए अपनी उड़ान की सोचा गए। खुद से निराश होकर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के साथ एक ही फिल्म स्टूडियो को दौरा किया। उस शाम कुमार को फिल्म की दीदार के लिए निर्माता प्रोम की चक्रवर्ती द्वारा मुख्य भूमिका के लिए साइन किया गया था। कुमार ने राखी और संतरी प्रिया के साथ सोंगत 1991 में
मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। उसी वर्ष उन्होंने किशोर वैराज के निर्देशन की डांसर में अभिनय किया, जिसे खराब समीक्षा मिली। अगले वर्ष उन्होंने अब्बास मस्तान की द्वारा निर्देशित संप्रेस की थ्रिलर खिलाड़ी में अभिनय किया, जिसे व्यापारी के रूप से उनकी सफलता की भूमिका माना गया था। द इंडियन एक्सप्रेस में एक ही समीक्षा ने फिल्म को एक ही मनोरंजन की थ्रिलर कहा और कुमार को मुख्य भूमिका में प्रभावशाली की बताया कि उनकी शारीरिक की उपस्थिति, मजबूत स्क्रीन की उपस्थिति को देखते हुए और पूरी तरह से आराम से होने के लिए की उनकी सराहना की। उनकी अगली रिलीज जेम्स बॉन्ड पर आधारित राज की सीपी द्वारा निर्देशित जासूसी फिल्म की मिस्टर ब्रांड थी। 1992 में उनकी आखिरी रिलीज दीदार थी। यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। 1993 में उन्होंने डा विष्णुवर्धन और अत्रिनी भावे के साथ केशु रामेश की द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म की आशांत में अभिनय किया। 1993 के दौरान रिलीज हुई उनकी सभी फिल्मों को, जिनमें दिल के बाजी, फायदा कानूनी, वक्त की हमारा है और सैनिक शामिल है, ने व्यवसायिक के रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 1994 में वह 11 फीचर फिल्मों की दिखाई दिए। उन्होंने 2 फिल्मों में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई, समीर मलकान की मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और राजीव राय के मोहर दोनों साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से है। उस वर्ष 12 में और सफलता मिली जब उन्होंने यश चोपड़ा की द्वारा निर्मित रोमांस ये दिल्ली में काजोल के साथ अभिनय किया। वर्ष की सबसे बड़ी मुख्य धारा की सफलताओं में से एक फिल्म और उनकी प्रदर्शन दोनों को समीक्षकों की द्वारा अच्छी तरह से प्रभावित किया गया। द इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें हमेशा की प्रोसेमंद की बताया और उनकी प्रदर्शन को अलग किया। फिल्म में उनके काम ने उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड्स और स्टार स्क्रीन की अवार्ड्स में 37 अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया। उसी वर्ष के दौरान कुमार को सुहाग और काम के बजट के एक्शन फिल्म की ऐलान जैसा फिल्मों में भी सफलता मिली। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार इन सभी उपलब्धियों ने कुमार को वर्ष के सबसे सफल अभिनेता में से एक के रूप में स्थापित किया। कुमार को सफलता मिली जिसे बाद में खिलाड़ी श्रृंखला के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने खिलाड़ी के साथ 4थी और 5वीं एक्शन थ्रिलर फिल्मों में अभिनय किया। सबसे बड़ा खिलाड़ी 1995 और खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1996 की दोनों का निर्देशन उमेश मेहरा ने किया और वैसाई की सफलता के लिए रिलीज हुई। उन्होंने प्रू में दोहरी भूमिका निभाई। खिलाड़ियों को खिलाड़ी ने रेखा और रवीना टंडन को सह अभिनय किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान कुमार घायल हो गए और संयुक्त राज्य अमेरिका में इलाज के लिए चले गए। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता ने एक साल के अंत की समीक्षा में लिखा, खिलाड़ियों को खिलाड़ियों में अक्षय कुमार के साथ अक्षय कुमार के थे जिन्होंने गलियारियों को पैक किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि टकने की लंबाई के बड़े कोट पहने भयानक अंडरटेकर के साथ कुश्ती की और फिल्म के साथ चले गए। कुमार ने यश चोपड़ा की निर्देशित की रोमांस दिल तो पागल है 1997 में सहायक भूमिका निभाई, जिसमें शाहरुख खान की माधुरी तिरिज और करिश्मा कपूर ने अभिनय किया, जिसके लिए कि उन्हें फिल्मफेयर की सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। उसी वर्ष उन्होंने डेविड धवन की द्वारा निर्देशित कॉमेडी मिस्टर इन की मिसेज की खिलाड़ी में चूही चाला के साथ अभिनय किया, जो खिलाड़ी की श्रृंखला की 5वीं किस्त थी। श्रृंखला की उनकी पिछली फिल्मों को विपरीत यह व्यवसायी के रूप से विफल रही। हालांकि की रोमांटिक एक्शन फिल्म की अफलातापूर्ण में एक और दोहरी भूमिका के साथ काफ़ी सफलता मिली। समीक्षक की खालिद की मोहम्मद ने फिल्म की आलोचना करते हुए कुमार की प्रयास को मजदूरी दी। अक्षय कुमार जीवन में आते हैं
कुछ अलग करने के लिए वह इसकी अवसर पर आगे बढ़ती है। उनकी निम्नलिखित की रिलीज व्यावसायिक के रूप से विफल रही और इसके कारण एक उनके फिल्म की करियर को झटका। 1999 में कुमार ने इंटरनेशनल के खिलाड़ी में ट्विंकल खन्ना के साथ खेला। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली साबित हुई। उन्हें संघर्ष और जावर फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए आलोचना की प्रशंसा मिली, जबकि प्रून ने बॉक्स ऑफिस पर लाभ नहीं कमाया। बाद वाले एक की व्यवसायी की सफलता साबित हुआ और उसने वापसी की। 2020 में कुमार ने प्रदर्शन की द्वारा निर्देशित कॉमेडी हेरा फेरी में परेश रावल और सुनील शेट्टी के साथ अभिनय किया। यह फिल्म जो मलयालम फिल्म की रामजीव राव की संपिंगिंग की रीमेक थी, एक की व्यवसायी की सफलता बन गई और कुमार की करियर में एक की महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म की मानवीय विशिष्टि की अत्यर्थता के गहन चित्रण नोट किया। उन्होंने उसी वर्ष 12 में धर्मेंद्र द्वारा की निर्देशित की रोमांटिक ड्रामा धड़कन में भी अभिनय किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मामूली प्रदर्शन किया, लेकिन कुमार को उनकी अभिनय के लिए सराहा गया कि संक्षिप्त में कहा गया कि उनको साबित कर दिया है कि वह निर्देशन में अभिनेता है और उन्होंने अपनी भूमिका पर कड़ी मेहनत की है। उसी वर्ष उन्होंने नीरज वोहरा द्वारा की निर्देशित अपनी कुछ सबसे खतरनाक स्टंट किए एक्शन थ्रिलर खिलाड़ी 420 जहां वह दौड़ते हुए कि विमान पर चढ़ गया, हवा में 1000 फीट उड़ते हुए विमान के ऊपर खड़ा हो गया और विमान से एक की ग्रह हवा के गुब्बारे पर कूद गया। बाद की एक दूसरी में उन्हें एक कार की द्वारा पीछा करते हुए गोलियों को चमकता देते हुए इमारतों से कूदते हुए और दीवारों पर चढ़ते हुए देखा जाता है। फिल्म में उनकी चतरीन के दो नाम थे और उनकी भूमिका मिली जुली समीक्षा मिली थी। सुकन्या वर्मा ने लेखा के नकारात्मक की भूमिका और अक्षय कुमार के साथ साथ नहीं चलते अक्षय हास्यपद के रूप से सिंसा परे और कोर के परेशान करते हैं। हालांकि वह शांत और आनंद के रूप में एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि स्क्रीन के अपराज की नायर का मानना था कि यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 2001 में उनकी पहली रिलीज सुनील दर्शन की ड्रामा एक रिश्ता द ब्रांड ऑफ लव थी। फिल्म में उनकी प्रदर्शन के लिए कुमार की प्रशंसा की गई। इसके बाद उन्होंने अब्बास मस्तान की द्वारा निर्देशित फिल्म की अजनबी भी एक ही नकारात्मक भूमिका निभाई के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए सरिता तंवर ने कुमार को फिल्म की सरप्राइज पैकेज करार दिया। उसने कहा कि वह बुरे आदमी के रूप में कुल नियंत्रण में था। फिल्म ने उन्हें सौतेज खलनायक के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार और नकारात्मक भूमिका में प्रदर्शन के लिए आईफा पुरस्कार 2002 जीता। 2002 में उनकी पहली रिलीज धर्मेश द्वारा निर्देशित की निर्देशित रोमांटिक ड्रामा हाँ मैंने प्यार किया थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल, आदित्य पंजुली, सुष्मिता सेन और परेश रावल की स्टॉक कलाकार विपिल की अमृतलाल की स और सरगम के देव पांडे द्वारा निर्देशित डकैती फिल्म आखिर में एक अंधे व्यक्ति की भूमिका निभाई। फिल्म में उन्हें प्रदर्शन में समीक्षकों के द्वारा सराहा गया था कि इसके बाद उन्होंने विकट भट्ट की निर्देशित की कॉमेडी आवारा पागल दीवाना में अभिनय किया कि फिल्म की समीक्षा में उल्लेख किया है कि हेरा फेरी एक ही रिश्ता द ब्रांड ऑफ लव और आंखें में देखी गई उनकी ईमानदारी और तुरंतर की लग रही है कि वर्ष की उनकी आखिरी फिल्म राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित की सुपर नेचुरल की हॉरर फिल्म यानी दुश्मन एक अनोखी कहानी थी, जिसमें मनीषा कोइराला, सुनील शेट्टी, सनी देओल, आफ्ताब शिवदासनी, अरशद वारसी, आदित्य पंजोली और अरमान कोहली थी। यह फिल्म कोहली की प्रूफ फिल्म की नागिन की रीमेक थी और इसे आलोचकों से जयदार नकारात्मक समीक्षा मिली थी कि तरण आदर्श ने लिखा केवल मुनीस अरमान कोहली अक्षय कुमार एक प्रभाव छोड़ते हैं। 2003 में उन्होंने सुनील दर्शन की एक्शन फिल्म की तलाश में अभिनय किया।
हॉट बिजनेस के करीना कपूर के साथ फिल्म की समीक्षा करते हुए तरण आदर्श ने लिखा, अक्षय कुमार सारे औसत दर्जे की यह भूमिका शायद ये है कि उन्हें कुछ अलग करने की गुंजाइश देती है। इसके बाद उन्होंने प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता के साथ राज कुंवर की द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा अंदाज में अभिनय किया। फिल्म में आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर एक की वैसाई की सफलता और 2003 की पहली सार्वभौमिक की हिट साबित हुई। 2004 में कुमार ने अमिताभ के बचपन, अजय देवगन और ऐतरेय राय के साथ राजकुमार की संतोषी की एक्शन ड्रामा थ्रिलर में खाकी में अभिनय किया। कुमार ने इंस्पेक्टर के शेखर वर्मा की भूमिका निभाई, जो एक की भर नैतिक के रूप से दिवालिया पुलिस वाला है, जो एक ही आरोपी पाकिस्तानी जासूस डॉ इकबाल अंसारी अतुल कुलकर्णी की द्वारा अभिनीत कु महाराष्ट्री को एक की दूर सतीय शहर में मुंबई की स्थानांतरित करने के मिशन के दौरान खुद को बदल देता है। आलोचकों की द्वारा फिल्म और कुमार के अभिनय की सकारात्मक की समीक्षा की गई। फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनकी अन्य रिलीज में दिलीप शुक्ला अपराध की फिल्म पुलिस फोर्स ने एन की इनसाइड की स्टोरी शामिल थी। उन्होंने स्वीडर टर्नर, अमरीश पुरी और राज की बब्बर के साथ अभिनय किया। मुख्य अभिनेता टंडन और कुमार की ब्रेक अप के बाद फिल्म का निर्माण में देरी हुई। रिलीज होने पर इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। इसके बाद कुमार ने मधुर भंडारकर के द्वारा निर्देशित आन मेन की एक की एट वर्क में आईपीएस की अधिकारी के हरि ओम पटनायक की भूमिका निभाई। उन्होंने देवी धवन की द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी मुझसे शादी करोगी में सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा के साथ अभिनय किया। उन्होंने सनी समीर खान की द्वारा अभिनीत के रोमैन की भूमिका निभाई, जो रानी चोपड़ा और अभिनीत की समीर की प्रेम की रेची का पीछा करता है। फिल्म को सकारात्मक की समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने कुमार की प्रशंसा की और लिखा, अक्षय कुमार एक ही रहस्य डांटन है, वह अपने पिछले काम से आगे निकाला गया, उसका समय है नहीं है, और वह महसूस करने पर उसका अपमान किया। परी की एक निराश लक्ष्मी को अपने पैड गर्मीन की महिलाओं को बेचने में मदद करती है, जो बाद में उसके उगम में शामिल है। वो लक्ष्मी और एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करती है, कम लगता वाली पैड बनाने वाली मशीनों बनाती है, छोटे पैड बनाने का फैक्ट्रिया बनाती है और गमरीन की महिलाओं को बिक्री के लिए नौकरी और पैड दोनों ही उपलब्ध करती है। उन्हें न्यूयॉर्क में आमंत्रित किया जाता है और संयुक्त की राष्ट्र में भाषण की देते हैं। घर वापस उन्हें 35 से सम्मानित किया गया है कि परी को उससे प्यार हो जाता है, जिससे लक्ष्मी हुई विवाद हो जाता है क्योंकि उसके मन भी उसके लिए भावनाएं होती है। हालांकि वह उसकी खुशी के लिए पीछे हट जाती है। लक्ष्मी ने उसे बताया कि उसने उसे एक नया आदमी बनाने में मदद की। लक्ष्मी अपने गांव में एक नायक के स्वागत के लिए लौटती है। फिल्म की लक्ष्मी और गायत्री के पुनर्मिलन के साथ समाप्त होती है और लक्ष्मी ने अपने प्रयासों को साथ निरंतर सफलता पाई। मैं एक की ओर चित्र नहीं बनाना चाहता था, मैं एक की व्यवसायिक की फिल्म बनाना चाहता था ताकि लोग इसे देख सके। यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। भले ही यह सैनिटरी पैड के बारे में बात करती है, जो एक की सार्वभौमिक की विषय है, किसी ने कभी इस विषय को छूने की कोशिश नहीं की। यह फिल्म की तमिलनाडु के एक की समाजी की कार्यकर्ता की अरुणचलम की मुरुगनाथ के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने कम लागत की वाली सैनिटरी नैपकिन की मशीन बनाकर गमरीन भारत में मानसिंह की धर्म सवच की अवसाधारण में क्रांति ला दी थी। पैडमैन को व्यवसायी की पौलाओं पर ध्यान केंद्रित किए बिना जागरूकता की फिल्म के रूप में देखा गया था। निर्माताओं को मुख्य एजेंट की जागरूकता की पैड करने और सैनिटरी पैड के आसपास के भारत में प्रचलित की आवश्यकता को मिटाने के लिए व्यापक दर्शकों तक पहुंचना था।
कुमार की पिछली फिल्म की टॉयलेट में एक प्रेम कथा की तरह उन्होंने महिलाओं और की पुरुषों को दोनों को मासिंग की सधर्म की समस्या के बारे में सिंचित करती है करने और इसे समाज के कल्याणक या वर्जित के रूप में लेबल करने से रोकने की उम्मीद है। इसके अलावा यह राजनेताओं से सैनिटरी पैड की और अपना ध्यान आकर्षित करने और स्थानों में से इसकी अनिवार्य बनाने की अपील थी। मुरुगन के जीवन के लिए अनुकूलित करने का विचार 2015 में शुरू हुआ जब ट्विंकल खाना को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कलाम के लिए एक शोध करते हुए उनकी कहानी का पता चला कि उनकी टूटता और डून संकल्प से प्रीत और प्रीत होकर उन्होंने अपनी पुस्तक द लेजेंड में ऑफ लक्ष्मी प्रसाद 2016 में उनके बारे में लिखा। साथ ही उनके जीवन के एक स्क्रीन की संस्करण की योजना बनाई गई ताकि आदि की दर्शकों तक पहुंचने के लिए हमारी दुनिया से दर्द से भरी हुई है पाठकों से नहीं। खाना जो फिल्म पर स्वर निर्माता के रूप में भी काम करते हैं नेहा कहा कि मासिक धर्म और मुरुगनाथ के ढूंढा संकल्प के बारे में प्रसंगित कभी तक की कम आंका गया विषय के कारण वह इस परियोजना के लिए की आकर्षित हुई थी। उसने कहा कि निर्माता इस विषय के साथ रचनात्मक की स्वतंत्रता ले रहे होंगे जैसा कि उसने अपनी पुस्तक में किया था ताकि इसे मनोरंजन की बनाया जा सके। फिल्म लेखन की और निर्देशित करने में लिए बार की आर बाल्की खन्ना की पहली पसंद थी। उन्होंने पहले बाल्की के काम को देखा था और फिल्म की निर्माण में उनकी संवेदनशीलता की सराहना की थी। नवंबर 2017 में सोनी पिक्चर्स फिल्म के लिए की वैकी की वितरण बन गई। अक्षय कुमार ने अरुणचलम की मुरुगनाथ पर आधारित लक्ष्मीकांत की चौहान की भूमिका निभाई है जिसे इंडिया की मेस्टू आल मैन के रूप में भी जाना जाता है। भूमिका निभाने के लिए कुमार पहले ही पसंद नहीं थे बल्कि और खाना चाहते थे कि कुमार की मुख्य भूमिका निभाए और क्योंकि उन्हें लगा कि यह खेल बदलने वाली घटना होगी यदि कुमार जिसे भारतीय जनता मूर्ति पूजा करती है और उस पुरुष की सैनिटरी की पैड पहनती है। प्री प्रोडक्शन मार्च 2017 में शुरू हुआ और प्रमुख फोटोग्राफी 14 मार्च को शुरू हुई। फिल्माकान अप्रैल की दिल्ली चला गया। मुरुगनाथ की भारत में सेट पर आर बाल्की कुमार और खन्ना के साथ की मिलकर काम किया यह सुनिश्चित करते हुए कि जिस तरह से उन्होंने अपनी मशीन का निर्माण किया उसे कैसे संचालित किया जाए यहाँ तक कि उनके अपने आसान से भी हर विवरण की स्टीक था। फिल्म की आंधिकास की भाग्य मगयम से प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर के छोटे से शहर में शूट किया गया था। भारत में फिल्माकान में समाप्त होने के बाद टीम ने न्यूयॉर्क के शहर की यात्रा की जहां महत्वपूर्ण दृश्यों को ब्रुकलिन की ब्रिज पर टाइम्स स्क्वायर में और लिंकन की सेंटर के जैज में और साथ ही संयुक्त राष्ट्रीय मुख्यालय में फिल्माया गया। हाफ की गर्लफ्रेंड के बाद साइट पर शूट होने वाली यह दूसरी बॉलीवुड फिल्म है। बॉलीवुड फिल्म द इंटरप्रेटर वहाँ शूटिंग की जाने वाली पहली फिल्म थी। फिल्म को शुरू में 23 नवंबर 2017 को रिलीज की योजना की थी लेकिन बाद में 26 जनवरी को स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि 19 जनवरी को यह घोषणा की गई कि संजय लीला भंसाली की पंजावट के साथ टकराव से बचने के लिए फिल्म को 9 फरवरी 2018 तक ले की स्थगित कर दिया गया था। उसी दिन रिलीज होने वाली आयारी के साथ संभावित बॉक्स ऑफिस पर टकराव के बारे में कुमार ने तनाव की निंदा करते हुए कहा कि यह संभावना नहीं है क्योंकि दोनों फिल्मों में अलग अलग विषय हैं। पैडमैन दुनिया भर में 3350 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है। भारत में 2750 स्क्रीन और विदेशों में 60 स्क्रीन की सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्म के होने के नाते निर्माता विभिन्न मंत्रालयों और सरकार की सहायता से छोटे स्वरों और स्तरों को विभिन्न स्कूलों में फिल्म के दिखाने की योजना बना रहे हैं।
चीन में यह कि 14 दिसंबर 2018 को चीनी सेंसर के यदु हेवे की रेन के साथ जारी किया गया, जिसका अनुवाद भारतीय साथी के रूप में होता है। यह फिल्म जापान में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की जापान द्वारा 7 दिसंबर 2018 को सेंसर के साथ जारी की गई थी। पशु पैमैन की 5 अंकों के रीनो जोशी ओस को सकूटा की ओटोको को, जिसका अनुवाद पैडमैन की एक आदमी जिसने 50 मिलियन महिलाओं को बचाया के रूप में काम किया है। पहला ट्रेलर 15 दिसंबर 2017 को जारी किया गया था। इसके तुरंत बाद ट्रेलर ट्विटर पर हैशटैग के साथ ट्रेंड करने में लगा। कुमार को लापरवाही से सैटिनरी के नैपकिन के पहनने और उन्हें अपनी बहन को सौंपते हुए दिखाने वाले दृश्य एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए। 25 दिसंबर को एक दूसरे पोस्टर जारी किया गया था, जिसमें कुमार अपने हाथ में कपास पकड़ते हुए दिखाया गया, जिसमें चारों ओर फाइटर जीनियस की इनोवेशन की अनरियल के मैन नो सेम की रियल प्रॉब्लम एंड की पैशन की लिखा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे अनदिती पोस्टर कहा। पैडमैन को कुवैत में प्रदर्शित नहीं किया गया था और पाकिस्तान प्रतिबंधी की विषय के कारण इसे प्रतिबंधी कर दिया गया था। क्रेडी के फिल्म सेंसर बोर्ड की पाकिस्तान ने फिल्म को अनापराधी की अपरामंत्रण देने से इनकार कर दिया और कहा, हम ऐसी फिल्म की अनुमानित नहीं दे सकते जिसका नाम, विषय और कहानी हमारे समाज में अभी तक की स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म की वितरकों और को फिल्म के अधिकार खरीदने की अनुमति नहीं दी और कहा कि वे इस्लामी परंपराओं, इतिहास और संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। स्थानीय की सिनेमाघरों से फिल्म की पोस्टर भी हटा दिए गए। कुछ पाकिस्तानी महिलाओं ने सेंसर बोर्ड को सैनिटरी पैड पकड़ते हुए अपनी तस्वीरें को भेजकर इन फैसला का विरोध किया है। 2011 के कनाडाई की संघीय की चुनाव के दौरान या बाद में कंजर्वेटिव की सरकार ने एक ही अल्पायन की कानून लागू के कुमार करके कुमार को कनाडा की नागरिकता की प्रदान की, जो कनाडा के अप्रवासियों के लिए सामान्य निवास की आवश्यकता को दरकिनार करने की अनुमति देता है। कंजर्वेटिव की पार्टी के एक पूर्व मंत्री टोना की कैलेमेंट के अनुसार कुमार को कनाडा भारतीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करने के लिए स्टार पावर और कनाडा के व्यापार संबंधों को व्यवसायिक संबंधों फेम क्षेत्र में डालने की पेशकश के बदलने में नागरिकता की प्रदान की गई थी। पर्यटन क्षेत्र में प्रारंभिक की जीवन और पृष्ठभूमि की कुमार का जन्म अमृतसर पंजाब भारत में हरि ओम की भटिया और अरुण भटिया के यहाँ पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता के सेना अधिकारी थे। कुमार की छोटी उम्र से खेलों में बहुत दिलचस्पी थी। उनके पिता भी कुश्ती का आनंद लेते थे। वह दिल्ली की चांदनी चौक में रहते थे और पले बड़े और बाद में वे बॉम्बे वर्तमान की मुंबई चले गए, जब उनके पिता ने यूनिसेफ के साथ अकाउंटेंट बनाने के लिए सेना छोड़ दी। जल्द ही उनकी बहन का जन्म हुआ और परिवार सेटल की बॉम्बे के एक पंजाबी की बहुल इलाके कोलीवाड़ी में रहने लगा। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा की डैन बॉस्को हाई स्कूल के मटुंगा से प्रीत की। साथ ही कटक कराटे सीखते हुए कि उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए गुरु नानक की खालसा कॉलेज में दाखिल लिया, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होने के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उसने अपने पिता से अनुरोध किया कि वह आगे मार्शल आर्ट की सीखना चाहता है और उसके पिता ने किसी तरह से थाईलैंड भेजने के लिए पैसा बचाया। कुमार मार्शल आर्ट की सीखने के लिए बैंकॉक गए और थाई की बंकिशन सीखते हुए कि 5 साल तक थाईलैंड में रहे। कुमार की एक बहन भी है, अलका भटिया। जब कुमार किशोर थे तो वह उनके पिता ने उनसे पूछा कि वह क्या बनना चाहते हैं। कुमार ने अभिनेता बनने की इच्छा व्यक्त की। भारत में रहते हुए टाइक्वांडो में एक ही बैले की बेल्ट प्राप्त करने के बाद उन्होंने बैंकॉक की थाईलैंड में सर मार्शल की आर्ट का अध्ययन किया, जहाँ उन्होंने माई थाई की सीख और एक सेफ और
वेटर के रूप में काम किया। थाईलैंड के बाद कुमार कलकत्ता वर्तमान की कोलकाता में एक ट्रेलर एजेंसी, ढाका में एक होटल में सेफ और दिल्ली में काम करने गए, जहां उन्होंने कुंदन की अवरोसन बेचे। बम्बई लौटने पर उन्होंने मार्शल आर्ट का सेंशुप शुरू किया। इस समय के दौरान उनके एक छात्रा के पिता, जो खुद एक मॉडल समन्वयक थे, ने कुमार को मॉडलिंग में शामिल करने की सिफारिश की, जिसके कारण अंत एक फर्नीचर शोरूम के लिए मॉडलिंग की असाइनमेंट के नेतृत्व किया। कुमार ने अपने पूरे महीने की वेटिंग की तुलना में शूटिंग के पहले ही दो दिनों के भीतर प्रभावी के रूप से अधिक पैसा कमाया और इसलिए मॉडलिंग की करियर का रास्ता चुना। उन्होंने अपने पहले ही पोर्टफोलियो को शूट करने के लिए बिना भुगतान की फोटोग्राफी जय सेठ को सहायक के रूप में 18 महीने तक काम किया। उन्होंने विभिन्न फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम किया। एक सुबह वह बेंगलोर में एक विज्ञापन के शूट के लिए अपनी उड़ान की सोचा गए। खुद से निराश होकर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के साथ एक ही फिल्म स्टूडियो को दौरा किया। उस शाम कुमार को फिल्म की दीदार के लिए निर्माता प्रोम की चक्रवर्ती द्वारा मुख्य भूमिका के लिए साइन किया गया था। कुमार ने राखी और संत्रिप्रिया के साथ सोंगत 1991 में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। उसी वर्ष उन्होंने किशोर वैयास के निर्देशन की डांसर में अभिनय किया, जिसे खराब समीक्षा मिली। अगले वर्ष उन्होंने अब्बास मस्तान की द्वारा निर्देशित संप्रेस की थ्रिलर खिलाड़ी में अभिनय किया, जिसे व्यापारी के रूप से उनकी सफलता की भूमिका माना गया था। द इंडियन एक्सप्रेस में एक ही समीक्षा ने फिल्म को एक ही मनोरंजन की थ्रिलर कहा और कुमार को मुख्य भूमिका में प्रभावशाली की बताया कि उनकी शारीरिक की उपस्थिति, मजबूत स्क्रीन की उपस्थिति को देखते हुए और पूरी तरह से आराम से होने के लिए कि उनकी सराहना की। उनकी अगली रिलीज जेम्स बॉन्ड पर आधारित राज की सीपी द्वारा निर्देशित जासूसी फिल्म की मिस्टर ब्रांड थी। 1992 में उनकी आखिरी रिलीज दीदार थी। यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। 1993 में उन्होंने डा विष्णुवर्धन और अत्रिनी भावे के साथ केशु रामेश की द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म की अशांत में अभिनय किया। 1993 के दौरान रिलीज हुई उनकी सभी फिल्मों को, जिनमें दिल के बाजी, फायदा कानूनी, वक्त की हमारा है और सैनिक शामिल है, ने व्यवसायिक के रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 1994 में वह 11 फीचर फिल्मों की दिखाई दिए। उन्होंने दो फिल्मों में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई, समीर मलकान की मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और राजीव राय के मोहर दोनों साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से है। उस वर्ष 12 में और सफलता मिली जब उन्होंने यश चोपड़ा की द्वारा निर्मित रोमांस ये दिल्ली में काजोल के साथ अभिनय किया। वर्ष की सबसे बड़ी मुख्य धारा की सफलताओं में से एक फिल्म और उनकी प्रदर्शन दोनों को समीक्षकों की द्वारा अच्छी तरह से प्रभावित किया गया। द इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें हमेशा की प्रोसेमंद की बताया और उनकी प्रदर्शन को अलग किया। फिल्म में उनके काम ने उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड्स और स्टार स्क्रीन की अवार्ड्स में 37 अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया। उसी वर्ष के दौरान कुमार को सुहाग और काम के बजट के एक्शन फिल्म की ऐलान जैसा फिल्मों में भी सफलता मिली। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार इन सभी उपलब्धियों ने कुमार को वर्ष के सबसे सफल अभिनेता में से एक के रूप में स्थापित किया। कुमार को सफलता मिली जिसे बाद में खिलाड़ी श्रृंखला के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने खिलाड़ी के साथ चौथी और पांचवी एक्शन थ्रिलर फिल्मों में अभिनय किया। सबसे बड़ा खिलाड़ी 1995 और खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1996 की दोनों का निर्देशन उमेश मेहरा ने किया और वैसाई की सफलता के लिए रिलीज हुई। उन्होंने प्रू में दोहरी भूमिका निभाई। खिलाड़ियों को खिलाड़ी ने रेखा और रवीना टंडन को सह अभिनय किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान कुमार घायल हो गए और संयुक्त राज्य अमेरिका में इलाज के लिए चले गए। द इंडियन एक्सप्रेस की सुबह गुप्ता ने एक साल के अंत की समीक्षा में लिखा, खिलाड़ियों को खिलाड़ियों में अक्षय कुमार के साथ
अक्षय कुमार के थे जिन्होंने गलियारियों को पैक किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तकनीकी लंबाई के बड़े कोट पहने भयानक अंडरटेकर के साथ कुश्ती की और फिल्म के साथ चले गए। कुमार ने यश चोपड़ा की निर्देशित की रोमांस दिल तो पागल है 1997 में सहायक भूमिका निभाई, जिसमें शाहरुख खान की माधुरी तिरिज और करिश्मा कपूर ने अभिनय किया, जिसके लिए कि उन्हें फिल्म फेयर की सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। उसी वर्ष उन्होंने डेविड धवन की द्वारा निर्देशित कॉमेडी मिस्टर इन की मिसेज की खिलाड़ी में चूही चाला के साथ अभिनय किया, जो खिलाड़ी की त्रुंगला की पांचवी किस्त थी। त्रुंगला की उनकी पिछली फिल्मों को विपरीत यह व्यवसायी के रूप से विफल रही। हालांकि कि रोमांटिक एक्शन फिल्म की अफलातापूर्ण में एक और दोहरी भूमिका के साथ काफ़ी सफलता मिली। समीक्षक की खालिद की मोहम्मद ने फिल्म की आलोचना करते हुए कुमार की प्रयास को मजदूरी दी। अक्षय कुमार जीवन में आते हैं कुछ अलग करने के लिए, वह इसकी अवसर पर आगे बढ़ते हैं। उनकी निम्नलिखित की रिलीज व्यवसायी के रूप से विफल रही और इसके कारण एक उनके फिल्म की करियर को झटका। 1999 में कुमार ने इंटरनेशनल के खिलाड़ी में ट्विंकल खन्ना के साथ खेला। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली साबित हुई। उन्हें संघर्ष और जावर फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए आलोचना की प्रशंसा मिली, जबकि प्रून ने बॉक्स ऑफिस पर लाभ नहीं कमाया। बाद वाले एक ही व्यवसायी की सफलता साबित हुआ और उसने वापसी की। 2020 में कुमार ने प्रदर्शन की द्वारा निर्देशित कॉमेडी हेरा फेरी में परेश रावल और सुनील शेट्टी के साथ अभिनय किया। यह फिल्म जो मलयालम फिल्म की रामजीव राव की संपिंगिंग की रीमेक थी, एक ही व्यवसायी की सफलता बन गई और कुमार की करियर में एक ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म की मानवीय विशिष्टि की अत्यर्थता के गहन चित्रण नोट किया। उन्होंने उसी वर्ष बाद में धर्मेंद्र द्वारा की निर्देशित की रोमांटिक ड्रामा धड़कन में भी अभिनय किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मामूली प्रदर्शन किया, लेकिन कुमार को उनके अभिनय के लिए सराहा गया कि संक्षिप्त में कहा गया कि उनको साबित कर दिया है कि वह निर्देशन में अभिनेता है और उन्होंने अपनी भूमिका पर कड़ी मेहनत की है। उसी वर्ष उन्होंने नीरज वोहरा द्वारा की निर्देशित अपनी कुछ सबसे खतरनाक स्टंट की एक्शन थ्रिलर खिलाड़ी 420 जहां वह दौड़ते हुए कि विमान पर चढ़ गया, हवा में 1000 फीट उड़ते हुए विमान के ऊपर खड़ा हो गया और विमान से एक की ग्रह हवा के गुब्बारे पर कूद गया। बाद की एक दूसरी में उन्हें एक कार की द्वारा पीछा करते हुए गोलियों को चमकता देते हुए इमारतों से कूदते हुए और दीवारों पर चढ़ते हुए देखा जाता है। फिल्म में उनकी चतरीन के दो नाम थे और उनकी भूमिका मिली जुली समीक्षा मिली थी। सुकन्या वर्मा ने लेखा के नकारात्मक की भूमिका और अक्षय कुमार के साथ साथ नहीं चलते। अक्षय हास्यपद के रूप से सिंसा पर है और कोर के परेशान करते हैं, हालांकि वह शांत और आनंद के रूप में एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि स्क्रीन के अपराज की नायर का मानना था कि यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 2001 में उनकी पहली रिलीज सुनील दर्शन की ड्रामा एक रिश्ता द ब्रांड ऑफ लव थी। फिल्म में उनकी प्रदर्शन के लिए कुमार की प्रशंसा की गई। इसके बाद उन्होंने अब्बास मस्तान की दारा मीर निर्देशित फिल्म की अजनबी भी एक ही नकारात्मक भूमिका निभाई के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए सरिता तंवर ने कुमार को फिल्म की सरप्राइज पैकेज करार दिया। उसने कहा कि वह बुरे आदमी के रूप में कुल नियंत्रण में था। फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार और नकारात्मक भूमिका में प्रदर्शन के लिए आईफा पुरस्कार 2002 जीता। 2002 में उनकी पहली रिलीज धर्मेश द्वारा निर्देशित की निर्देशित रोमांटिक ड्रामा हाँ मैंने प्यार किया थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल, आदित्य पंजुली, सुष्मिता सेन और परेश रावल की स्टॉक कलाकार विपिल की अमृतलाल की स और सरगम के देव पांडे द्वारा निर्देशित डकैती फिल्म आखिर में एक अंधे व्यक्ति की भूमिका निभाई। फिल्म में उन्हें प्रदर्शन में समीक्षकों के द्वारा सराहा गया था कि इसके बाद उन्होंने
विकट भट्ट की निर्देशित की कॉमेडी आवारा पागल दीवाना में अभिनय किया कि फिल्म की समीक्षा में उल्लेख किया है कि हेरा फेरी एक रिश्ता द ब्रांड ऑफ लव और आंखें में देखी गई उनकी ईमानदारी और तुरंतता की लग रही है कि वर्ष की उनकी आखिरी फिल्म राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित की सुपर नेचुरल की हॉरर फिल्म यानी दुश्मन एक अनोखी कहानी थी जिसमें मनीषा कोइराला, सुनील शेट्टी, सनी देओल, अफ्ताब शिवदासनी, अरशद वारसी, आदित्य पंजोली और अरमान कोहली थी। यह फिल्म कोहली की प्रूफ फिल्म की नागिन की रीमेक थी और इसे आलोचकों से जयदार नकारात्मक समीक्षा मिली थी कि तरण आदर्श ने लिखा केवल मुनीस अरमान कोहली अक्षय कुमार एक प्रभाव छोड़ते हैं। 2003 में उन्होंने सुनील दर्शन की एक्शन फिल्म की तलाश में अभिनय किया। हॉट बिगनर्स के करीना कपूर के साथ फिल्म की समीक्षा करते हुए तरण आदर्श ने लिखा अक्षय कुमार सारे औसत दर्जे की यह भूमिका शायद ये है कि उन्हें कुछ अलग करने की गुंजाइश देती है। इसके बाद उन्होंने प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता के साथ राज कुंवर की द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा अंदाज में अभिनय किया। फिल्म में आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर एक की वैसाई की सफलता और 2003 की पहली सार्वभौमिक की हिट साबित हुई। 2004 में कुमार ने अमिताभ के बचपन, अजय देवगन और ऐतरेय राय के साथ राजकुमार की संतोषी की एक्शन ड्रामा थ्रिलर में खाकी में अभिनय किया। कुमार ने इंस्पेक्टर के शेखर वर्मा की भूमिका निभाई जो एक की भर नैतिक के रूप से दिवालिया पुलिस वाला है जो एक ही आरोपी पाकिस्तानी जासूस द इकबाल अंसारी अतुल कुलकर्णी की द्वारा अभिनीत कु महाराष्ट्री को एक की दूर सतीय शहर में मुंबई की स्थानांतरित करने के मिशन के दौरान खुद को बदल देता है। आलोचकों की द्वारा फिल्म और कुमार की अभिनय की सकारात्मक की समीक्षा की गई। फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनकी अन्य रिलीज में दिलीप शुक्ला अपराध की फिल्म पुलिस फोर्स ने एन की इनसाइड की स्टोरी शामिल थी। उन्होंने स्वीडर टर्नर, अमरीश पुरी और राज की बब्बर के साथ अभिनय किया। मुख्य अभिनेता टंडन और कुमार की ब्रेकअप के बाद फिल्म का निर्माण में देरी हुई। रिलीज होने पर इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। इसके बाद कुमार ने मधुर भंडारकर के द्वारा निर्देशित आन मेन की एक की एट वर्क में आईपीएस की अधिकारी के हरि ओम पटनायक की भूमिका निभाई। उन्होंने देवी धवन की द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी मुझसे शादी करोगी में सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा के साथ अभिनय किया। उन्होंने सनी समीर खान की द्वारा अभिनीत के रोमैन की भूमिका निभाई जो रानी चोपड़ा और अभिनीत की समीर की प्रेम की रेची का पीछा करता है। फिल्म को सकारात्मक की समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने कुमार की प्रशंसा की और लिखा अक्षय कुमार एक ही रहस्य डांटन है, वह अपने पिछले काम से आगे निकाला गया, उसका समय है। महसूस करने पर उसमें सैनिटरी की नैपकिन में प्रयुक्त सामग्री के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक कॉलेज जाती है। पैसे और आत्रेय की जरूरत में वह एक प्रोफेसर के घर में नौकरी के रूप में काम करता है। प्रोफेसर का बेटा उसे इंटरनेट से परिचित करता है और जानकारी हासिल करने में उसकी मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी की हरकतों से चकित है और उन्हें उनके विचारों को पटरी से उतारने के लिए लाखों की पैड बनाने वाली मशीनों को वीडियो दिखाते हैं। इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। लक्ष्मी उसे प्रीत होकर अपनी पैड बनाने की मशीन बनाती है। वह पैसे उधार लेता है और एक अच्छा पैड बनाने का प्रबंधन करता है लेकिन उसे परखाने वाला कोई नहीं है। वह परिवालिया एक विशेष उपस्थिति में सोनम कपूर से मिलता है जो शहर की एक आधुनिक की सृजित महिला है और उसे एक पैड की आपूर्ति करता है जो अब जब वह फीडबैक की मांगता है तो वह करती है कि यह एक सामान्य पैड की तरह है। लक्ष्मी एक खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वह गायत्री को खबर देने के लिए बुलाता है। मासिक की धर्म के प्रीत उसके जुनूनी से गायत्री परेशान हो जाती है और उसका भाई उसे दूर रहने की चेतावनी देता है।
परी लक्ष्मी की क्षमता को देखते ही और उसे दिल्ली में एक नवचार मेले में आमंत्रित करती है। लक्ष्मी को आविष्कार को लाइफ चेंजिंग की इनोवेशन की ऑफ द ईयर के रूप में पहचाना जाता है और वह प्रेसिडेंट के लिए गोली मारता है, लेकिन ग्रामीणों ने उसके आविष्कार की प्रकृति को महसूस करने पर उसका अपमान किया। परी की एक निराश लक्ष्मी को अपने पैड ग्रामीण की महिलाओं को बेचने में मदद करती है जो बाद में उसके उगम में शामिल है। वो लक्ष्मी और एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करती है, कम लगता वाली पैड बनाने वाली मशीनों बनाती है, छोटे पैड बनाने का फैक्ट्रिया बनाती है और गमरीन की महिलाओं को बिक्री के लिए नौकरी और पैड दोनों ही उपलब्ध करती है। उन्हें न्यूयॉर्क में आमंत्रित किया जाता है और संयुक्त की राष्ट्र में भाषण की देते हैं। घर वापस उन्हें पचरत्री से सम्मानित किया गया है कि परी को उससे प्यार हो जाता है, जिससे लक्ष्मी वो विवाद हो जाता है क्योंकि उसके मन भी उसके लिए भावनाएं होती है। हालांकि वह उसकी खुशी के लिए पीछे हट जाती है। लक्ष्मी ने उसे बताया कि उसने उसे एक नया आदमी बनाने में मदद की। लक्ष्मी अपने गांव में एक नायक के स्वागत के लिए लौटती है। फिल्म की लक्ष्मी और गायत्री के पुनर्मिलन के साथ समाप्त होती है और लक्ष्मी ने अपने प्रयासों को साथ निरंतर सफलता पाई। मैं एक की ओर चित्र नहीं बनाना चाहता था, मैं एक व्यवसायिक की फिल्म बनाना चाहता था ताकि लोग इसे देख सके। यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। भले ही यह सैनिटरी पैड के बारे में बात करती है जो एक ही सार्वभौमिक की विषय है, किसी ने कभी इस विषय को छूने की कोशिश नहीं की। यह फिल्म की तमिलनाडु के एक की सामाजिक की कार्यकर्ता की अरुणचलम की मुरुगनाथ के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने कम लागत की वाली सैनिटरी नैपकिन की मशीन बनाकर गमरीन भारत में मानसिंह की धर्म स्वच्छ की अवसाधारण में क्रांति ला दी थी। पैडमैन को व्यवसाय की पौलाओं पर ध्यान केंद्रित किए बिना जागरूकता की फिल्म के रूप में देखा गया था। निर्माताओं को मुख्य एजेंट की जागरूकता की पैड करने और सैनिटरी पैड के आसपास के भारत में प्रचलित की आवश्यकता को मिटाने के लिए व्यापक दर्शकों तक पहुंचना था। कुमार की पिछली फिल्म की टॉयलेट में एक प्रेम कथा की तरह उन्होंने महिलाओं और की पुरुषों को दोनों को मानसिंह की सधर्म की स्वच्छता के बारे में सिंचित करती है करने और इसे समाज के कल्याण कैया वर्जित के रूप में लेबल करने से रोकने की उम्मीद है। इसके अलावा यह राजनेताओं से सैनिटरी पैड की और अपना ध्यान आकर्षित करने और स्थानों में से इसकी अनिवार्य बनाने की अपील थी। मुरुगन के जीवन के लिए अनुकूलित करने का विचार 2015 में शुरू हुआ जब ट्विंकल खाना को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कलाम के लिए एक शोध करते हुए उनकी कहानी का पता चला कि उनकी टूटता और डून संकल्प से प्रीत और प्रीत होकर उन्होंने अपनी पुस्तक द लेजेंड में ऑफ लक्ष्मी प्रसाद 2016 में उनके बारे में लिखा। साथ ही उनके जीवन के एक स्क्रीन की संस्करण की योजना बनाई गई ताकि आदि की दर्शकों तक पहुंचने के लिए हमारी दुनिया से दर्श से भरी हुई है, पाठकों से नहीं। खाना जो फिल्म पर स्वनिर्माता के रूप में भी काम करते हैं, नेहा कहा कि मासिक धर्म और मुरुगनाथ के ढूंढा संकल्प के बारे में प्रोसंगीत कभी तक की कम आंका गया विषय के कारण वह इस परियोजना के लिए की आकर्षित हुई थी। उसने कहा कि निर्माता इस विषय के साथ रचनात्मक की स्वतंत्रता ले रहे होंगे जैसा कि उसने अपनी पुस्तक में किया था, ताकि इसे मनोरंजन की बनाया जा सके। फिल्म लेखन की और निर्देशित करने में लिए आर बाल्की खन्ना की पहली पसंद थी। उन्होंने पहले बाल्की के काम को देखा था और फिल्म की निर्माण में उनकी संवेदनशीलता की सराहना की थी। नवंबर 2017 में सोनी पिक्चर्स फिल्म के लिए की वैकी की वितरण बन गई। अक्षय कुमार ने अरुणचलम की मुरुगनाथ पर आधारित लक्ष्मीकांत की चौहान की भूमिका निभाई है।
जिसे इंडिया की मिस टू ऑल मैन के रूप में भी जाना जाता है। भूमिका निभाने के लिए कुमार पहले ही पसंद नहीं थे, बल्कि और खाना चाहते थे कि कुमार की मुख्य भूमिका निभाए, और क्योंकि उन्हें लगा कि यह खेल बदलने वाली घटना होगी यदि कुमार, जिसे भारतीय जनता मूर्ति पूजा करती है और उस पुरुष की सैनिटरी की पैड पहनती है। प्री प्रोडक्शन मार्च 2017 में शुरू हुआ और प्रमुख फोटोग्राफी 14 मार्च को शुरू हुई। फिल्माकान अप्रैल की दिल्ली चला गया। मुरुगनाथा की भारत में सेट पर आर बालकी कुमार और खाना के साथ की मिलकर काम किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जिस तरह से उन्होंने अपनी मशीन का निर्माण किया उसे कैसे संचालित किया जाए, यहाँ तक कि उनके अपने आसान से भी हर विवरण की स्टीक था। फिल्म की आंधिकास की भाग्य मगयम से प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर के छोटे से शहर में शूट किया गया था। भारत में फिल्माकान में समाप्त होने के बाद टीम ने न्यूयॉर्क के शहर की यात्रा की, जहां महत्वपूर्ण दृश्यों को ब्रुकलिन की ब्रिज पर टाइम्स स्क्वायर में और लिंकन की थिएटर के जैज में और साथ ही संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में फिल्माया गया। हाफ की गर्लफ्रेंड के बाद साइट पर शूट होने वाली यह दूसरी बॉलीवुड फिल्म है। बॉलीवुड फिल्म द इंटरप्रेटर वहाँ शूटिंग की जाने वाली पहली फिल्म थी। फिल्म को शुरू में 23 नवंबर 2017 को रिलीज की योजना की थी, लेकिन बाद में 26 जनवरी को स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि 19 जनवरी को यह घोषणा की गई कि संजय लीला भंसाली की पंजावट के साथ टकराव से बचने के लिए फिल्म को 9 फरवरी 2018 तक ले की स्थगित कर दिया गया था। उसी दिन रिलीज होने वाली आयारी के साथ संभावित बॉक्स ऑफिस पर टकराव के बारे में कुमार ने तनाव की निंदा करते हुए कहा कि यह संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों फिल्मों में अलग अलग विषय है और विषय है। पैडमैन दुनिया भर में 3350 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है। भारत में 2750 स्क्रीन और विदेशों में 60 स्क्रीन की सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्म के होने के नाते निर्माता विभिन्न मंत्रालयों और सरकार की सहायता से छोटे शहरों और शहरों को विभिन्न स्कूलों में फिल्म के दिखाने की योजना बना रहे हैं। चीन में यह कि 14 दिसंबर 2018 को चीनी सेंसर के यदु हेवे की रेन के साथ जारी किया गया, जिसका अनुवाद भारतीय साथी के रूप में होता है। यह फिल्म जापान में सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट की जापान द्वारा 7 दिसंबर 2018 को सेंसर के साथ जारी की गई थी। पशु पैमैन की 5 अंकों के रीनो जोशी ओस को सकूटा की ओटोको को, जिसका अनुवाद पैडमैन की एक आदमी जिसने 50 मिलियन महिलाओं को बचाया के रूप में काम किया है। पहला ट्रेलर 15 दिसंबर 2017 को जारी किया गया था। इसके तुरंत बाद ट्रेलर ट्विटर पर हैशटैग के साथ ट्रेंड करने में लगा। कुमार को लापरवाही से सेटिनरी के नैपकिन के पहनने और उन्हें अपनी बहन को सौंपते हुए दिखाने वाले दूसरे एक ट्रेनिंग टॉपिक बन गए। 25 दिसंबर को एक दूसरे पोस्टर जारी किया गया था, जिसमें कुमार अपने हाथ में कपास पकड़ते हुए दिखाया गया, जिसमें चारों ओर फाइटर जीनियस की इनोवेशन की अनरियल के मैन नो सेम की रियल प्रॉब्लम एंड की पैशन की लिखा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे अनदिति पोस्टर कहा। पैडमैन को कुवैत में प्रदर्शित नहीं किया गया था और पाकिस्तान प्रतिबंधी की विषय के कारण इसे प्रतिबंधी कर दिया गया था। क्रेडी के फिल्म सेंसर बोर्ड की पाकिस्तान ने फिल्म को अनापराधी की अपरामंत्रण देने से इनकार कर दिया और कहा, हम ऐसी फिल्म की अनुमानित नहीं दे सकते जिसका नाम, विषय और कहानी हमारे समाज में अभी तक की स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म की वितरकों और को फिल्म के अधिकार खरीदने की अनुमति नहीं दी और कहा कि वे इस्लामी परंपराओं, इतिहास और संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। स्थानीय सिनेमाघरों से फिल्म की पोस्टर भी हटा दिए गए। कुछ पाकिस्तानी महिलाओं ने सेंसर बोर्ड को सैनिटरी पैड पकड़ते हुए अपनी तस्वीरें को भेजकर इन फैसला का विरोध किया है। 2011 के कनाडाई की संघीय की चुनाव के दौरान यह बाद में
कंजर्वेटिव की सरकार ने एक ही अल्पायन की कानून लागू की कुमार करके कुमार को कनाडा की नागरिकता की प्रदान की, जो कनाडा के अप्रवासियों के लिए सामान्य निवास की आवश्यकता को दरकिनार करने की अनुमति देता है। कंजर्वेटिव की पार्टी के एक पूर्व मंत्री टोना की कैलेमेंट के अनुसार कुमार को कनाडा भारतीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करने के लिए स्टार पावर और कनाडा के व्यापार संबंधों को व्यावसायिक संबंधों फेम क्षेत्र में डालने की पेशकश के बदलने में नागरिकता की प्रदान की गई थी। पर्यटन क्षेत्र में प्रारंभिक की जीवन और पृष्ठभूमि की कुमार का जन्म अमृतसर पंजाब भारत में हरि ओम की भटिया और अरुण भटिया के यहाँ पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता के सेना अधिकारी थे। कुमार की छोटी उम्र से खेलों में बहुत दिलचस्पी थी। उनके पिता भी कुश्ती का आनंद लेते थे। वह दिल्ली की चांदनी चौक में रहते थे और पले बड़े और बाद में वे बॉम्बे वर्तमान की मुंबई चले गए, जब उनके पिता ने यूनिसेफ के साथ अकाउंटेंट बनाने के लिए सेना छोड़ दी। जल्द ही उनकी बहन का जन्म हुआ और परिवार सेटल की बॉम्बे के एक पंजाबी की बहुल इलाके कोलीवाड़ी में रहने लगा। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा की डैन बॉस्को हाई स्कूल के मटुंगा से प्रीत की, साथ ही कटक कराटे सीखते हुए की। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए गुरु नानक की खालसा कॉलेज में दाखिल लिया, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होने के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उसने अपने पिता से अनुरोध किया कि वह आगे मार्शल आर्ट की सीखना चाहता है और उसके पिता ने किसी तरह से थाईलैंड भेजने के लिए पैसा बचाया। कुमार मार्शल आर्ट की सीखने के लिए बैंकॉक गए और थाई की बंकिशंग सीखते हुए कि 5 साल तक थाईलैंड में रहे। कुमार की एक बहन भी है, अलका भटिया। जब कुमार किशोर थे तो वह उनके पिता ने उनसे पूछा कि वह क्या बनना चाहते हैं। कुमार ने अभिनेता बनने की इच्छा व्यक्त की। भारत में रहते हुए ताइक्वांडो में एक ही बैले की बेल्ट प्राप्त करने के बाद उन्होंने बैंकॉक की थाईलैंड में सर मार्शल की आर्ट का अध्ययन किया, जहाँ उन्होंने माई थाई की सीख और एक सेफ और वेटर के रूप में काम किया। थाईलैंड के बाद कुमार कलकत्ता वर्तमान की कोलकाता में एक ट्रेलर एजेंसी, ढाका में एक होटल में सेफ और दिल्ली में काम करने गए, जहां उन्होंने कुंदन की आभूषण बेचे। बंबई लौटने पर उन्होंने मार्शल आर्ट का सिंशुप शुरू किया। इस समय के दौरान उनके एक छात्रा के पिता, जो खुद एक मॉडल समन्वयक थे, ने कुमार को मॉडलिंग में शामिल करने की सिफारिश की, जिसके कारण अंत एक फर्नीचर शोरूम के लिए मॉडलिंग की असाइनमेंट के नेतृत्व किया। कुमार ने अपने पूरे महीने की वेटिंग की तुलना में शूटिंग के पहले ही दो दिनों के भीतर प्रभावी के रूप से अधिक पैसा कमाया और इसलिए मॉडलिंग की करियर का रास्ता चुना। उन्होंने अपने पहले ही पोर्टफोलियो को शूट करने के लिए बिना भुगतान की फोटोग्राफी जय सेठ को सहायक के रूप में 18 महीने तक काम किया। उन्होंने विभिन्न फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम किया। एक सुबह वह बेंगलोर में एक विज्ञापन के शूट के लिए अपनी उड़ान की सूचक गए। खुद से निराश होकर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के साथ एक ही फिल्म स्टूडियो को दौरा किया। उस शाम कुमार को फिल्म की दीदार के लिए निर्माता प्रोम की चक्रवर्ती द्वारा मुख्य भूमिका के लिए साइन किया गया था। कुमार ने राखी और संतरी प्रिया के साथ सोमवत 1991 में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। उसी वर्ष उन्होंने किशोर वैयास की निर्देशन की डांसर में अभिनय किया, जिसे खराब समीक्षा मिली। अगले वर्ष उन्होंने अब्बास मस्तान की द्वारा निर्देशित संस्प्रेस की थ्रिलर खिलाड़ी में अभिनय किया, जिसे व्यापारी के रूप से उनकी सफलता की भूमिका माना गया था। द इंडियन एक्सप्रेस में एक ही समीक्षा ने फिल्म को एक ही मनोरंजन की थ्रिलर कहा और कुमार को मुख्य भूमिका में प्रभावशाली की बताया कि उनकी शारीरिक की उपस्थिति, मजबूत स्क्रीन की उपस्थिति को देखते हुए और पूरी तरह से आराम से होने के लिए कि
उनकी सराहना की। उनकी अगली रिलीज जेम्स बॉन्ड पर आधारित राज की सीपी द्वारा निर्देशित जासूसी फिल्म की मिस्टर ब्रांड थी। 1992 में उनकी आखिरी रिलीज दीदार थी। यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। 1993 में उन्होंने डॉ विष्णुवर्धन और अत्रिनी भावे के साथ केशु रामेश की द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म की आशांत में अभिनय किया। 1993 के दौरान रिलीज हुई उनकी सभी फिल्मों को जिनमें दिल के बाजी, फायदा कानूनी, वक्त की हमारा है और सैनिक शामिल है ने व्यवसायिक की रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 1994 में वह 11 फीचर फिल्मों की दिखाई दिए। उन्होंने 2 फिल्मों में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई, समीर मलकान की मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और राजीव राय के मोहर दोनों साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से है। उस वर्ष 12 में और सफलता मिली जब उन्होंने यश चोपड़ा की द्वारा निर्मित रोमांस ये दिल्ली में काजोल के साथ अभिनय किया। वर्ष की सबसे बड़ी मुख्य धारा की सफलताओं में से एक फिल्म और उनकी प्रदर्शन दोनों को समीक्षकों की द्वारा अच्छी तरह से प्रभावित किया गया। द इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें हमेशा की प्रोसेमंद की बताया और उनकी प्रदर्शन को अलग किया। फिल्म में उनकी काम ने उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड्स और स्टार स्क्रीन की अवार्ड्स में 37 अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया। उसी वर्ष के दौरान कुमार को सुहाग और काम के बजट के एक्शन फिल्म की ऐलान जैसा फिल्मों में भी सफलता मिली। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार इन सभी उपलब्धियों ने कुमार को वर्ष के सबसे सफल अभिनेता में से एक के रूप में स्थापित किया। कुमार को सफलता मिली जिसे बाद में खिलाड़ी श्रृंखला के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने खिलाड़ी के साथ 4थी और 5वीं एक्शन थ्रिलर फिल्मों में अभिनय किया। सबसे बड़ा खिलाड़ी 1995 और खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1996 की दोनों का निर्देशन उमेश मेहरा ने किया और व्यवसायी की सफलता के लिए रिलीज हुई। उन्होंने प्रू में दोहरी भूमिका निभाई। खिलाड़ियों को खिलाड़ी ने रेखा और रवीना टंडन को सह अभिनय किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान कुमार घायल हो गए और संयुक्त राज्य अमेरिका में इलाज के लिए चले गए। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता ने एक साल के अंत की समीक्षा में लिखा, खिलाड़ियों को खिलाड़ियों में अक्षय कुमार के साथ अक्षय कुमार के थे जिन्होंने गलियारियों को पैक किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि टकने की लंबाई के बड़े कोट पहनने भयानक अंडरटेकर के साथ कुश्ती की और फिल्म के साथ चले गए। कुमार ने यश चोपड़ा की निर्देशित की रोमांस दिल तो पागल है 1997 में सहायक भूमिका निभाई जिसमें शाहरुख खान की माधुरी तिरिज और करिश्मा कपूर ने अभिनय किया जिसके लिए कि उन्हें फिल्मफेयर की सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। उसी वर्ष उन्होंने डेविड धवन की द्वारा निर्देशित कॉमेडी मिस्टर एन की मिसेज की खिलाड़ी में चूही चाला के साथ अभिनय किया जो खिलाड़ी की त्रृंखला की 5वीं किस्त थी। त्रृंखला की उनकी पिछली फिल्मों को विपरीत या व्यवसायिक के रूप से विफल रही। हालांकि की रोमांटिक एक्शन फिल्म की अफलातापूर्ण में एक और दोहरी भूमिका के साथ काफ़ी सफलता मिली। समीक्षक की खालिद की मोहम्मद ने फिल्म की आलोचना करते हुए कुमार की प्रयास को मजदूरी दी। अक्षय कुमार जीवन में आते हैं कुछ अलग करने के लिए, वह इसकी अवसर पर आगे बढ़ते हैं। उनकी निम्नलिखित की रिलीज व्यवसायिक के रूप से विफल रही और इसके कारण एक उनके फिल्म की करियर को झटका। 1999 में कुमार ने इंटरनेशनल के खिलाड़ी में ट्विंकल खन्ना के साथ खेला। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली साबित हुई। उन्हें संघर्ष और जावर फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए आलोचना की प्रशंसा मिली जबकि प्रून ने बॉक्स ऑफिस पर लाभ नहीं कमाया। बाद वाले एक ही व्यवसायी की सफलता साबित हुआ और उसने वापसी की। 2020 में कुमार ने प्रदर्शन की द्वारा निर्देशित कॉमेडी हेरा फेरी में परेश रावल
और सुनील शेट्टी के साथ अभिनय किया। यह फिल्म जो मलयालम फिल्म की रामजीव राव की स्टंपिंगिंग की रीमेक थी, एक की वैसाई की सफलता बन गई और कुमार की करियर में एक ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म की मानवीय विशेषता की अत्यर्थता के गहन चित्रण नोट किया। उन्होंने उसी वर्ष बाद में धर्मेश द्वारा की निर्देशित की रोमांटिक ड्रामा धड़कन में भी अभिनय किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मामूली प्रदर्शन किया, लेकिन कुमार को उनकी अभिनय के लिए सराहा गया कि संक्षेपा में कहा गया कि उनको साबित कर दिया है कि वह निर्देशन में अभिनेता है और उन्होंने अपनी भूमिका पर कड़ी मेहनत की है। उसी वर्ष उन्होंने नीरज वोहरा द्वारा की निर्देशित अपनी कुछ सबसे खतरनाक स्टंट किए एक्शन थ्रिलर खिलाड़ी 420 जहां वह दौड़ते हुए कि विमान पर चढ़ गया, हवा में 1000 फीट उड़ते हुए विमान के ऊपर खड़ा हो गया और विमान से एक की ग्रह हवा के गुब्बारे पर कूद गया। बाद की एक दूसरे में उन्हें एक कार की द्वारा पीछा करते हुए गोलियों को चमकता देते हुए इमारतों से कूदते हुए और दीवारों पर चढ़ते हुए देखा जाता है। फिल्म में उनकी चतरीन के दो नाम थे और उनकी भूमिका मिली जुली समीक्षा मिली थी। सुकन्या वर्मा ने लिखा कि नकारात्मक की भूमिका और अक्षय कुमार के साथ साथ नहीं चलते। अक्षय हास्यास्पद के रूप से सिंसा पर है और कोर के परेशान करते हैं, हालांकि वह शांत और आनंद के रूप में एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि स्क्रीन की अपराज की नायर का मानना था कि यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 2001 में उनकी पहली रिलीज सुनील दर्शन की ड्रामा एक रिश्ता द ब्रांड ऑफ लव थी। फिल्म में उनकी प्रदर्शन के लिए कुमार की प्रशंसा की गई। इसके बाद उन्होंने अब्बास मस्तान की दारा मीर निर्देशित फिल्म की अजनबी में एक ही नकारात्मक भूमिका निभाई के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए सरिता तंवर ने कुमार को फिल्म की सरप्राइज पैकेज करार दिया। उसने कहा कि वह बुरे आदमी के रूप में कुछ नियंत्रण में था। फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार और नकारात्मक भूमिका में प्रदर्शन के लिए आईफा पुरस्कार 2002 जीता। 2002 में उनकी पहली रिलीज धर्मेश द्वारा निर्देशित की निर्देशित रोमांटिक ड्रामा हाँ मैंने प्यार किया थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल, आदित्य पंजोली, सुष्मिता सेन और परेश रावल की स्टार कलाकार विपिल की अमृतलाल की और सरगांव के देव पांडे द्वारा निर्देशित डकैती फिल्म आखिर में एक अंधे व्यक्ति की भूमिका निभाई। फिल्म में उन्हें प्रदर्शन में समीक्षकों के द्वारा सराहा गया था कि इसके बाद उन्होंने विकट भट्ट की निर्देशित की कॉमेडी आवारा पागल दीवाना में अभिनय किया कि फिल्म की समीक्षा में उल्लेख किया है कि हेरा फेरी, एक ही रिश्ता, द ब्रांड ऑफ लॉ और आंखें में देखी गई उनकी ईमानदारी और तुरंतता की लग रही है कि वर्ष की उनकी आखिरी फिल्म राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित की सुपर नेचुरल की हॉरर फिल्म यानी दुश्मन एक अनोखी कहानी थी, जिसमें मनीषा कोइराला, सुनील शेट्टी, सनी देओल, आफ्ताब शिवदासनी, अरशद वारसी, आदित्य पंजोली और अरमान कोहली थी। यह फिल्म कोहली की प्रूफ फिल्म की नागिन की रीमेक थी और इसे आलोचकों से ज्यादा नकारात्मक समीक्षा मिली थी। कि तरण आदर्श ने लिखा केवल मुनीश अरमान कोहली अक्षय कुमार एक प्रभाव छोड़ते हैं। 2003 में उन्होंने सुनील दर्शन की एक्शन फिल्म की तलाश में अभिनय किया। हर्ट बिगनर्स के करीना कपूर के साथ फिल्म की समीक्षा करते हुए तरण आदर्श ने लिखा अक्षय कुमार सारे औसत दर्जे की यह भूमिका शायद ये है कि उन्हें कुछ अलग करने की गुंजाइश देती है। इसके बाद उन्होंने प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता के साथ राज कुंवर की द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा अंदाज में अभिनय किया। फिल्म में आलोचकों से मिट्टी समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर एक की वैसाई की सफलता और 2003 की पहली सार्वभौमिक की हिट साबित हुई। 2004 में कुमार ने अमिताभ के बचपन, अजय देवगन और ऐतरेय राय के साथ राजकुमार की संतोषी की एक्शन ड्रामा थ्रिलर में खाकी में अभिनय किया।
कुमार ने इंस्पेक्टर के शेखर वर्मा की भूमिका निभाई, जो एक की भर नैतिक के रूप से दिवालिया पुलिस वाला है, जो एक ही आरोपी पाकिस्तानी जासूस द इकबाल अंसारी अतुल कुलकर्णी की द्वारा अभिनीत कु महाराष्ट्री को एक ही दूर सतीय शहर में मुंबई की स्थानांतरित करने के मिशन के दौरान खुद को बदल देता है। आलोचकों की द्वारा फिल्म और कुमार के अभिनय की सकारात्मक की समीक्षा की गई। फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया।